losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Hi everyone, just looking at you all guys. Hope everyone is fine right now. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बेहतर होंगे. So just looking at you all guys. Hope everyone is fine right now. उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बेहतर होंगे. कैसे हैं आप सब? How are you guys? How are you people? फटाफट से बताओ कैसे हो आप सब? कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो? मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ आप लोगों के सारे कमेंट को. तो यार आरंभ करते हैं. आरंभ है कि इस बेहतर प्लेटफॉर्म पे आज की अपनी इनफॉर्मल टॉक को, जिसमें हम लोग कॉकरोच को डिस्कस करने चल रहे हैं. ठीक है, स्वीटी कह रही है वेलकम बैक. या स्वीटी आपका, आपको भी वेलकम या ओके. सो गोहन, स्वीटी जो जो जुड़ चुके हैं फटाफट से प्रेजेंट लिखो. एंड गाइस, इफ यू आर द न्यू ऑन द चैनल, सो प्लीज गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सी द टाइम टेबल. वी ऑल मूव अकॉर्डिंग टू आवर टाइम टेबल. एंड जिस जिस चैप्टर का डिस्कशन होगा वो चैप्टर टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम. तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना तुम लोग. ठीक है, मैं नेक्स्ट चैप्टर का लिस्ट बता दूंगा, अपडेट कर देना तुम लोग. अब एक जीआरबी में बना दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, जो ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनकी यार थोड़ी सी जिम्मेदारी ज्यादा होगी, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी आप लोगों को ले लेना है. और कोई भी जब प्रॉब्लम आए टेलीग्राम ग्रुप में, तो जिसको भी आंसर आ रहा हो वो आंसर को दे दिया करो. ठीक है, मतलब अब ऐसा है कि कभी मैं देखूं तो मैं दे दूंगा, आप देखो तो आप दे दो. ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन अगर ऑथेंटिक हो तो. फालतू कोई भी टॉक करता नहीं अपने ग्रुप में, और कोई करे भी तो उसका रिप्लाई देने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, उसको देखते हैं, या तो ब्लॉक कर दिया जाएगा नहीं तो हटा दिया जाएगा. ठीक है, और फालतू टॉक होता भी नहीं है. तो बस यही डिस्कस करते रहना है सब कुछ अच्छे से. ठीक है, या मैसेंजर ही अभी आके, चलो ठीक है, सब कोई प्रेजेंट है. तो आरंभ किया जाए आज के अपने इस सीरीज को. तो आरंभ करते हैं कॉकरोच के रिविजन को. आरंभ है किस बेहतर प्लेटफॉर्म पे. हम लोग मतलब कॉकरोच को किस किस टाइप से पहले लेंगे, पहले हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक पे उसके चर्चा कर लेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन. पहले तो ये बता दो एक बार कि साउंड मेरे ठीक है ना. कॉकरोच ठीक है, 10 पीपल वाजिंग ओके. मतलब आवाज तो ठीक है, सब कुछ ओके, फाइन, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन. मैं ही चेक कर लेता हूँ किस किस टाइप से पहले लेंगे. हाँ, आवाज ठीक है यार, थोड़ा थोड़ा इंटरप्शन आ रही है. सबसे पहले हम लोग बेसिक उसके चर्चा, बीच बीच में आवाज फंस रही है, तो पता नहीं किस कारण से हो रही है. 2-3 दिन से मुझे ये प्रॉब्लम मिल रही है, तो ऐसे ही ले लेते हैं हम लोग अपने सेशन को. कुछ दिन में ये भी प्रॉब्लम सही हो जाएगा, क्योंकि मैं माइक ही एक नया ले लेता हूँ. ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पे चर्चा कर लेंगे कॉकरोच को, ठीक है? फिर उसके हम लोग मार्फोलॉजी पे करेंगे, तब एनाटॉमी पे करेंगे, फिर उसमें कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम, इस सब पे चर्चा करेंगे, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हुए हम लोग लास्ट कर देंगे, ठीक है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एंड फीमेल, ये सब यार रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ ही चीजें हैं जहां से रेगुलर क्वेश्चन बनती है, तो कुछ चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? फिर कॉकरोच का डेवलपमेंट को हम लोग पढ़ लेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हुआ, एंड, ठीक है, खत्म, कुछ है ही नहीं, चलेगा, बढ़िया है, यस, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉकरोच का साइज के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी का एकदम डिटो, जो एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है वहीं से हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉकरोच के साइज से, तो बताइए कॉकरोच के साइज पे चलिए चर्चा करते हैं, कॉकरोच के साइज को फटाफट से लिखिए, इसमें क्वेश्चन सीरीज में भी मजा आएगा क्योंकि कॉकरोच पे क्वेश्चन ही आएगा। और हाँ एक चीज, और एक चीज पे सबको ध्यान देना है कि व्हाट वी कॉल इट, डायग्राम, डायग्राम पे तो अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो डायग्राम को सब लोग एनसीईआरटी से देख रहे हैं क्योंकि कॉकरोच के डायग्राम से क्वेश्चन बनता है, ठीक है? सिर्फ पहचानने आना चाहिए कि किधर, मतलब मतलब किधर कौन सा चीज है, ठीक है? ये सब कुछ पहचानने आना चाहिए, तो हालांकि डायग्रामेटिकली तो हम लोग चर्चा नहीं कर पाएंगे, बट डायग्राम पे आप लोग एक बार ध्यान जरूर दे देना, ठीक है? चलो मेरे सामने आंसर अब आने लगी है, मेरे सामने आंसर आ रही है कोहन का 1/4, ठीक है, चलो ठीक है, 1/4 इंचेस से लेके 3 इंचेस तक, चलो ठीक है, कोहन का भी ठीक है, मैसेंजर ये 6 पॉइंट, इसका भी सही है, ठीक है, 0.6 से 7.4 सेंटीमीटर सही है, 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है, स्वीटी का भी सही है, एनसीईआरटी में 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर दिया, बट 7.4 जो लिखा है वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, तो चलो दैट्स ग्रेट। अब हम लोग आगे मूव करेंगे, अब ये बताना है कि कॉकरोच यार नॉक्टर्नल है कि क्या है, ठीक है, आई थिंक नॉक्टर्नल, इसमें बताना क्या है, ठीक है, तो इसको मैं ही बता देता हूँ, कॉकरोच आर द नॉक्टर्नल और ओमनिवोरस है कॉकरोच, ठीक है, जो कि यार एक गंदे स्थान पर रहता है, गंदे स्थान पर रहता है, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ये क्रिएट कर सकता है। तो एक दो बार ये PYQ बनी है, एक सीधे एनसीईआरटी का लाइन है जो आप लोग देखिएगा स्टार्टिंग में ही, नीचे वाला पैराग्राफ में नीचे वाला जो लाइन है, ठीक है, तो मैं पूरा लाइन को मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है, कॉकरोच आर द नॉक्टर्नल ओमनिवोरस, मैं एक बार अपने नोट में देख लेता हूँ अच्छे से, क्योंकि यार पूरा लाइन डिटो पढ़ना होगा ना, कॉकरोच आर द नॉक्टर्नल ओमनिवोरस दैट लिव इन द डैम प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार में, ठीक है, दे लिव, दे हैव बिकम रेसिडेंट ऑफ द ह्यूमन होम्स एंड दस आर द सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीज। तो इस लाइन को एनसीईआरटी में मार्क कर लो, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इस लाइन से बनेगा, क्योंकि ये लाइन दो बार PYQ में आया है, और दूसरा उस कॉकरोच के साइज से बनेगा, ठीक है, तो 1/4 से लेकर 3 इंचेस तक, या फिर 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलो सुनेहा भी आ गई, चलो ठीक है, सबको यही क्या होमिसाइट, एक नंबर एक नंबर एक नंबर, सबको आ गए। अब हम लोग पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है, मैसेंजर ईयर थोड़ा सा हम लोग से आगे चलें, ठीक है, तो इनका 34 से 53 मिलीमीटर, ठीक है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, हालांकि एक आंसर आ चुका है बट आप लोग भी आंसर लिख दो, आई थिंक ये सबको याद होगा, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, नॉक्टर्नल ओमनिवोरस वेक्टर ऑफ डिजीज, या दैट्स ग्रेट, कम शब्दों में ज्यादा बात, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना 34 से 53 मिलीमीटर, ये भी लगातार इस पे क्वेश्चन बनेगा और बनते रहता है, ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, इजी इजी क्वेश्चन सब है, ये सब बनाकर आ जाना है, लेकिन हाँ एक चीज है कि माइंड में बैठाते रहना है। ओके ओके ओके, किया मैसेंजर हियर का नाम सुनेहा है एंड ये सुहाना है, सुहाना बेटा, ओके गॉट इट, सुनेहा एंड सुहाना, पूछ रहे हैं कि एमडी सर के नोट्स है, भाई एमडी सर से, मनीष दुबे सर से हम भी पढ़ते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग यहाँ एमडी सर से ही पढ़ते हैं, ये सब एनसीईआरटी के नोट्स हैं, ठीक है, मतलब ये मैं गरिमा गोयल मैम से भी पढ़ा हूँ, ठीक है, उनके नोट्स और मनीष दुबे सर के नोट्स, दोनों के नोट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मैं गरिमा गोयल मैम का 1 शॉट सीरीज मैंने किया है, ठीक है, तो 1 शॉट सीरीज मैं गरिमा गोयल से, गर्ल्स मैम से किया हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई किया हूँ एमडी सर से, मनीष दुबे सर से मैं लॉन्ग वाला किया हूँ, ठीक है, पूरा क्लास में मनीष दुबे सर का करता हूँ, तो टीचर का कंपैरिजन मत करो यार, सारे टीचर बेस्ट हैं, ऑल टीचर आर बेस्ट, बस हम लोग को कंटेंट अपने माइंड में डालना है, बस नथिंग एल्स यार।
गोहन बता रहे हैं कि डिजीज कौन कौन सा डिजीज होता है, तो डिजीज लाइक टाइफाइड, डायरिया। चलो ठीक है। हाँ मैथ से तो आप रहने दो, स्किप कर दो इस सेशन को, कोई बात नहीं सुने मेरे नोमेश सर के नोट्स। वही वही मैंने कहा नोमेश सर के नोट्स है, वही मैंने कहा ना कि सारे टीचर्स के नोट लगभग सिमिलर ही होते हैं यार, अंतर कहाँ है, सारा चीज तो वही होता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, पेरिप्लैनेट अमेरिकाना पे चर्चा हो गया, क्योंकि 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है सब कुछ, और पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना में हम लोग को ये बताना है कि विंग्स प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, और अगर विंग्स प्रेजेंट होते हैं तो मेल में होते हैं कि फीमेल में होते हैं। लॉफर ऑफ एमपी सर उनके कारण, या बिल्कुल 25/11, यू आर राइट मनीष दुबे सर, यू आर ग्रेट। तो पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना में मेल और फीमेल दोनों में विंग्स होते हैं, दोनों में विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना में काइटेनियस एक्सोस्केलेटन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक प्लेट्स भी पाए जाते हैं आई थिंक सो। चलिए सब सब कुछ आप लोग बताते रहिए, सीधे बताते चलिए सब लोग, जिसके माइंड में जो जो आ रहा है बताते चलिए, क्योंकि इस पे क्या चर्चा करें, ये तो सब कुछ लाइन बाय लाइन ही नया है। तो एस्केलरेटेड प्लेट्स होते हैं। अब यार डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल में इनका डिवीजन है। ठीक है, तो जो डॉर्सली होते हैं, डॉर्सली क्या होते हैं, डॉर्सली क्या होते हैं, डॉर्सली बताइए, प्लूरॉन होते हैं, एस्टरनाइट होते हैं कि टरगाइट होते हैं, ये आप लोग बताइए। जो डॉर्सली होते हैं वो क्या होते हैं, जो डॉर्सल होते हैं वो स्टरनाइट होते हैं, पिलरॉन होते हैं, फिर टरगाइट होते हैं। बोलने में मेरा दिक्कत हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन पे आप लोग नहीं जाएंगे। डॉर्सल जो होते हैं वो टरगाइट होते हैं। ठीक है, लेटरल अब बताइए। तन्वी गुप्ता पूछ रही है शेड्यूल क्या होता है लाइफ का, तो यार तन्वी डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइम टेबल देख लो, तो टाइम टेबल यार 7 बजे से है, लेकिन अभी ठंड की वजह से, क्योंकि यार ठंड 4 डिग्री के नीचे चली जा रही है, तो कभी 8 और कभी 9 भी बज जा रहा है। ठीक है, लेकिन टाइम टेबल वही मतलब फ्रॉम 12 बजे तक, मॉर्निंग से 12 बजे तक। ठीक है, बीच में अपना डिनर और लंच ब्रेक होता रहेगा। डोर्सल वाले को टर्गम, ठीक है, टर्गम बोलिए या फिर टर्गाइट बोलिए, दोनों सही है। अब वेंट्रल को स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम बोलिए, स्टर्नाइट बोलिए, दोनों सही है। और लेटरल को पुर्लोन, सिटी का भी आंसर आ गया, मैसेंजर हियर का भी आंसर आ गया, मतलब सुनेहा का भी आंसर आ गया। ठीक है, दैट्स ग्रेट। एंड गोहन का डोर्सल टर्गाइट, ठीक है, वेंट्रल स्टर्नाइट एंड लेटरल पुलराइट, ओके दैट्स ग्रेट, सुपर सुपर। ठीक है, एंड आपको पता है इसी में एक मसल भी पाया जाता है, डेक्सिनोइड टर्गो एक्सटर्नल मसल, यानी कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसी में एक मसल पाया जाता है डेक्सिनोइड, तो टर्गो एक्सटर्नल मसल, और टर्गो एक्सटर्नल मसल जो है उनको कोई चीज, कुछ चीजें उनको मतलब अटैच भी करती हैं, पकड़ के भी रखती हैं, दैट इज नोन एज एंथ्रॉइडल मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन, या तो उसको हम लोग एंथ्रॉइडल मेम्ब्रेन कहेंगे या फिर आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन कहेंगे। तो हालांकि ये सब डायग्रामेटिक सेक्शन में बढ़िया से बताया गया है, लेकिन हम लोग चर्चा ही कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम हम लोग चर्चा कैसे करें, इजी इजी क्वेश्चन है, सब कुछ हो ही जाएगा। या गोहन का भी आंसर आ गया ऑर्थोराइडल मेम्ब्रेन, आप लोग समझ समझ के आंसर करते रहो, चर्चा ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि ये जो हम लोग चर्चा करें ये हम ही लोग समझ पाएंगे, जो पढ़ाई कर रहा है वही समझ पाएगा, क्योंकि टीचर के लेवल पे तो चर्चा हो नहीं रही है, ये चर्चा हो रही है स्टूडेंट के लेवल, क्यों मैं भी स्टूडेंट हूँ आप भी स्टूडेंट, इसीलिए तो नाम दिया इनफॉर्मल टॉक्स। फंक्शन एज आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन, ओके सुपर, गॉन का भी आंसर आ गया। अब चलो अब हम लोग कुछ मॉर्फोलॉजी पे चर्चा करेंगे, तो बेसिक बेसिक हम लोगों ने चर्चा कर लिया, हम लोगों ने साइज पे चर्चा कर लिया, पहली पहली प्लेनेटा अमेरिकाना के भी साइज पे कर लिया, 34 से 53 मिलीमीटर साइज पे, साइज पे हम लोगों ने क्या चर्चा किया, साइज पे 3 इंचेस से मतलब 1/4 इंचेस से 3 इंचेस तक, 0.62 0.62 7.6 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया, गंदा जगह पे रहता है इस पे भी बात हो गई, बहुत सारे डिजीज को कॉज करता है इस पे भी बात हो गई। ठीक है, तो यार जो भी होगी यहाँ से हम लोग बना देंगे, ठीक है, बेसिस पे। अब हम लोग चलेंगे मार्फोलॉजी पे, तो मार्फोलॉजी में हम लोग आएंगे तो बॉडी मतलब मार्फोलॉजी में हम लोग को क्या क्या दिखेगा, तो हम लोग को मार्फोलॉजी में क्या हेड दिखेगा, थोरस दिखेगा, एब्डोमेन दिखेगा। तो अब बताइए आप लोग की मतलब हेड्स एम्ब्रॉय में कितने हैं और एडल्ट में कितने हैं, हेड हेड पे पहले आप लोग अपना अपना बात को रखिए।
अर्थराइडल मेम्ब्रेन अटैच प्रेजेंट बिटवीन टू स्क्लेरेटिस। या सुपर स्वीटी, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल बेहतर तरीके से आपने अपने बातों को रखा। आर्टिकुलेशन मीनिंग अटैचमेंट। या गोहन, बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे को ऐसे ही हर चीज का सवाल को लेते चलिए, आंसर को देते चलिए। हेड एम्ब्रॉय में 6 होते हैं और एडल्ट में इनका कहना है कि फ्यूज होने के बाद 1 बचता है, यानी 5 फ्यूज होते हैं। सेट ग्रेट सुपर। हेड के बाद बताते चलिए, थोरिक्स बताइए, एब्डोमेन बताइए फटाफट, ठीक है। हेड 6, 5, 5 क्या हो जाते हैं, 5 फ्यूज हो जाते हैं तो बचते ही है, ठीक है। एब्डोमेन कितने हैं, एब्डोमेन 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 टोटल 11, एक फ्यूज होकर 10 बचते हैं। थॉरेक्स टोटल 3 और बचते भी 3 है, यानी थॉरेक्स में कोई फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। तो टोटल हम लोग के पास 20 सेगमेंट थे, 20 सेगमेंट में से टोटल वहां 5 नहीं, एक भी नहीं और एक, 5 एक 6, यानी 6 सेगमेंट हम लोग का टोटल क्या हो गया, ये क्या हो गया, फ्यूज हो गया, और बचा कितना, 14 बचा, ठीक है। सुपर सुपर, सबके आंसर सही है, सबको पार्टिसिपेट करो यार, ठीक है, सबको पार्टिसिपेट करो, एक क्वेश्चन सीरीज है जिससे आपको भी और मुझे भी सबको हेल्प मिलती है, ठीक है। बहुत बेहतर तरीके से मैं नोट बनाने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट में सब बातों को, ताकि पीवाईक्यू को भी इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है, और पार्टिसिपेट करना है सबको, करना है। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो यार वहीं आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइम टेबल को देख लो, स्ट्रीम का टाइम टेबल वहीं रहेगा। अच्छा एक बार रिपीट सुन लो ली, ठीक है, मैसेंजर हियर सुनेहा कह रही है एक बार रिपीट सुन लो ली, ठीक है। तो सुनेहा, हेड जो होता है उसमें नॉर्मल एम्ब्रॉय में 6 होते हैं, 5 फ्यूज होने के बाद एडल्ट में 1 बचते हैं, ठीक है। हेड हेड के बाद थॉरेक्स में 3 होते हैं और उसके बाद फ्यूज होने के बाद एडल्ट में 3 ही बचते हैं, ठीक है। और एब्डोमेन में 11 होते हैं, फ्यूज होने के बाद 10 ही बचते हैं, हो गया। अब चलो अब हम लोग हेड को चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब हेड में से जहां जहां से क्वेश्चन बनता है वहां पे चर्चा कर लेंगे, थोड़ा हम लोग बाहर भी निकल चलेंगे, मतलब चर्चा कर, क्योंकि जियोलॉजी है तो यार थोड़ा सा बाहर चल सकते हैं ना हम लोग। तो हेड रीजन में पहले बताइए डोर्सल, देन वेंट्रल, देन फ्रंट पार्ट, देन लेटरल पार्ट। तो सबसे पहले बताइए डोर्सल पार्ट को हेड रीजन में क्या कहते हैं हम लोग, डोर्सल पार्ट को हेड रीजन में हम लोग क्या कहते हैं, शायद इसको डॉर्सल कहते हैं ना, तो डॉर्सल को क्या कहते हैं हम लोग, जल्दी फटाफट से आंसर आना चाहिए। चलो डॉर्सल पार्ट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, वेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइसेप्स, ठीक है। मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आप लोग थोड़ा तोड़ तोड़ के सही भी कर देना, ठीक है। हाँ तो वर्टिक्स क्लाइपस और गेना, लेटरल को गेना, फ्रंट को फ्रॉन्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। और क्लाइपस से अटैच होते हैं, माउथ वाला पार्ट जो होता है वो क्लाइपस से अटैच होता है, ठीक है, हमें इतना डीप नहीं पता है तो ये आने वाला भी नहीं है, ठीक है। इसको बस थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही चर्चा कर लेते हैं क्योंकि जूलॉजी है, थोड़ा बाहर निकल चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं बता रहा हूँ, डॉर्सल वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, वेंट्रल वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइपस, ठीक है। वेंट्रल को क्लाइपस, डॉर्सल वर्टेक्स, वेंट्रल क्लाइपस, फ्रंट को फ्रॉन्स हम लोग बोलते हैं और लेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, गेना बोलते हैं, ठीक है, GENA आई थिंक, ठीक है, GENA। ये मनीष दुबे सर ने करवाया है अपने नोट्स में, ठीक है, वो तो इससे भी डीप गए हैं यार, काट छाट कर हम इतना बनाया, बहुत डीप गए हैं वो, लेकिन इतना मैं बता दें क्योंकि जियोलॉजी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल चलेंगे तो सही रहेगा, शॉर्ट नोट में ही मैंने इंक्लूड किया है इसको भी, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई टेंशन का बात नहीं, ये आने होने वाला नहीं है। आप जो बता रहे हैं मैसेंजर हाइपोगेनेथस, वो भी आपका सही है, ठीक है, 90 डिग्री पे होता है तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, वहां भी हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होता है कि क्लाइपस जो होता है ना वेंट्रली, तो माउथ, ये माउथ वहां से, मतलब माउथ रीजन क्लाइपस से आपको अटैच होता है, ठीक है, माउथ पार्ट
कॉकरोच का अटैच कहाँ से होता है, क्लाइपस से अटैच होता है। हालांकि आप नहीं भी समझे तो आप चलिए हम आगे बढ़ते हैं। माउथ पार्ट बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, ये क्वेश्चन बना है कभी ना कभी क्योंकि मैंने उस पर क्वेश्चन लगाया है। हालांकि एनसीईआरटी में है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, मेरे माइंड से उतर रही है, आई थिंक एनसीईआरटी में है तभी क्वेश्चन आया है। बाइटिंग एंड च्यूइंग का काम कौन कर रहा है, माउथ पार्ट कर रहा है, ठीक है। अब माउथ पार्ट में अब हम लोग चर्चा करेंगे कि माउथ पार्ट में है क्या क्या। तो लेब्रम हम लोग को मिलता है, लिबियम हम लोग को मिलता है। लेब्रम क्या है, लेब्रम, लेब्रम मतलब अपर लिप, लिबियम एंड लिबियम मतलब लोअर लिप, ठीक है। लेब्रम अपर लिप, लिबियम लोअर लिप, ठीक है। हाइपोगेनेथस हाइपोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स टंग वाल के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं। फिर मैक्सिला एंड मेंडाइबल, ठीक है। मैक्सिला सेंसरी पल्प कैविटी मैक्सिला में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड मेंडाइबल लोअर जॉ को हम लोग मेंडाइबल कहते हैं जो कि काइटेनियस टीथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लेबियम जो होता है, लेबियम को हम लोग एक चीज और कह सकते हैं, सेकेंड मैक्सिला कह सकते हैं। सेंसरी पल्प प्रेजेंट लेबियम में भी होता है। सबका आंसर आ रहा है कोहन का लेब्रम अपर लिप। क्या कंफ्यूज कर रहा है यार, कंफ्यूज मत हो को, आप लोग का भी सही है, ठीक है। आप लोग जो जो मतलब ये डीप नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि यार ये मुझे भी याद नहीं रहने वाला है, मैंने शॉर्ट नोट पे इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि अगर जो एनसीईआरटी ने मैं उसको याद रखूंगा ही नहीं। हाँ ये है कि एक बार पढ़ लिया हूं तो अगर क्वेश्चन बाहर जाए तो बन जाएगा, गॉट इट। हाँ लेबियम लोअर मैक्सिला ठीक है, मेंडाइबल, ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट। गौहर का सही है, स्वीटी आप भी बताओ, सबको ही बताओ यार। अब चलो अब पोजीशन पे चर्चा करते हैं। तो हाइपोगेनेथस क्या है, पोजीशन है, क्या है हाइपोगेनेथस, पोजीशन है, जो कि पोजीशन ऑफ हेड, पोजीशन ऑफ हेड कॉकरोच का कैसे है, हाइपोगेनेथस लाइक दैट, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। पोजीशन ऑफ हेड हाइपोगेनेथस 90 डिग्री पे। आप देखो मान लो कि कॉकरोच है, अब समझ में आ रहा है, मैंने बोला ना मैं आ रहा हूं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अब हम लोगों ने कॉकरोच के हेड रीजन को चर्चा करते हैं। तो देखो ये हो गया डोर्सल वेंट्रल, तो डोर्सल को हम लोग क्या बोले, वर्टेक्स, वेंट्रल को हम लोग क्लाइपस, फिर गेनल लेटरल, ठीक है, फ्रंट फ्रॉन्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्लाइपस से हम लोग का माउथ रीजन अटैच है, तो माउथ रीजन में क्या हो गया, लिबियम लेब्रम लिबियम, ठीक है, हाइपोफेरिंग्स मैक्सिला मेंडाइबल, ठीक है। उसके बाद आप पोजीशन बात करेंगे हेड का पोजीशन, तो हेड का पोजीशन क्या है, हाइपोगेनेथस, हाइपोगेनेथस 90 डिग्री, या दैट्स ग्रेट, सुपर्ब सुपर, सबका आंसर आ रहा है सुपर एवरीवन। एंड गाइस इफ यू आर द न्यू ऑन द चैनल सो प्लीज गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सी द टाइम टेबल, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मूव करेंगे उसी टाइम पे अपना लाइव स्ट्रीम चलेगा। तो रिवीजन सीरीज हम लोग का यार वीक में दो चैप्टर तीन चैप्टर का बायो का रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिवीजन सीरीज ले रहे हैं। आप जैसे ही चैनल पर रहोगे आपको पता चलते रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइम टेबल जरूर देख लेना। बोलो कोई दिक्कत, मजा आ रहा है? और जो जो टॉपिक बाहर का लगे ना उसको नोट कर लिया करो, लास्ट में बोलना, मैं लास्ट में सबको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हालांकि मैंने धीरे से एक्सप्लेन किया, तीन बार बोला है, वो जो एक्स्ट्रा आप लोग को लगा है तो उसको आप लोग नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। सुनेहा स्वीटी गोहन ये सब फटाफट पेन चलाते हैं, मुझे पता है, ठीक है। स्वीटी तो फटाफट दबा देती है पेन से, क्योंकि एक दिन और एक एक्स्ट्रा टॉपिक पर चर्चा हो रहा था, इसने फटाफट नोट किया था, दोबारा बोला भी था कि दोबारा से बोलो। गौहन भी लिख लिया होगा, ठीक है, बस ऐसे ही करना है यार। मजा आना चाहिए, बस मजा आना चाहिए, नथिंग एल्स। जीवन में क्या है, जीवन में यार टेंशन तो सब जगह है ही। हाइपोफेरिंग स्टंग, या दैट्स ग्रेट मैसेंजर, यार सब जगह टेंशन है, पर टेंशन में यार मजा ढूंढेंगे तब तो मजा मिलेगा ना, मजा लेते रहना है। तो अब चलो तीसरे चीज की हम लोग बात करते हैं। तो तीसरा चीज क्या हम लोग को देखने को, हेड रीजन में, तो हेड रीजन में ऐसे क्या निकला होता है कॉकरोच को, बताओ आप लोग, हेड रीजन में कॉकरोच पे ऐसे क्या निकला होता है, ऐसे अंटीना निकला होता है, क्या निकला होता है, अंटीना निकला होता है, ठीक है। अब अंटीना बताओ कितना होता है, अब सेगमेंटेड होता है कि अनसेगमेंटेड होता है, ये भी बताना है आप सबको, फटाफट से लिखिए। अब एंटीना के बारे में जो जो माइंड में आ रहा है लिखते चलिए, फटाफट लिख दीजिए। आर्यन कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप भी अच्छे हो, बहुत सही, एंटीना निकला होता है स्क्रीट। हाँ अब सेगमेंटेड होता है कि अनसेगमेंटेड होता है, ये भी बताना है। और जिन्होंने यार अब तक सेशन को लाइक नहीं, सो प्लीज लाइक द सेशन यार, एवरी सिंगल लाइक मोटिवेट अस अ लॉट।
देखो एंटीना जब हम बोल दिए तो देखो कुछ चीजें हम लोग कॉकरोच में है ना, दो है कि तीन है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरफ का बात कर लेंगे तो दूसरा तरफ ऑटोमेटिक है, ठीक है, मतलब हम लोग एक ही तरफ से बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग को मान लेना है कि दूसरे तरफ की भी बात हो रही है, सिगमेंटेड है। चलो दैट्स ग्रेट, सुनेहा का आंसर आ गया सिगमेंटेड, गौहन का भी सिगमेंटेड आ गया, आर्यन का भी सिगमेंटेड आ गया, एक बार लिख देना मैं देख लूंगा सबका, ठीक है, वन पर सिगमेंटेड सेंसरी ऑर्गन। चलो चलो सब कुछ चर्चा हो ही गया, अब हम लोग आ जाते हैं किस चीज पे, आई पे आ जाते हैं, आई कैसा होता है, कंपाउंड आई होता है, आई थिंक सो, कंपाउंड आई। तो बताओ आई कैसा होता है, दो टाइप का आई होता है, एक सिंपल आई भी होता है और एक कंपाउंड आई भी होता है, ठीक है, तो अब आप बताओ कि सिंपल आई क्या है और कंपाउंड आई क्या है, ठीक है, सिंपल आई का काम क्या है, ठीक है, सिंपल आई का नाम क्या है, अगर वो मतलब आप लोग बताओ जो जो आप समझ में आ रहा है, ठीक है, तब तक मैं इंटरेक्ट करता हूँ सबसे। एंड गाइस इफ यू आर द न्यू ऑन द चैनल सो गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स द टाइम टेबल। कंपाउंड आई भी है, सिंपल आई भी है, ठीक है, सिंपल आई वेस्टिजियल फॉर्म में होता है, ठीक है, हाँ ऑसिलस बोलिए फिर ऑसिलाई बोलिए, ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट, मैसेंजर ये स्विटी आंसर आ गया, ठीक है, तो वो वेस्टिजियल फॉर्म में आई थिंक होता है, ठीक है, जो कंपाउंड आई होता है वो क्या होता है, उसका काम क्या है ये भी बताइए, विजन कैसा होता है, विजन आई थिंक मोजाइक होता है, मोजाइक विजन होता है ना कॉकरोच का, ठीक है, 2000 सेगमेंट में आई थिंक काट देता है, ठीक है, 2000 पार्ट में, और मनीष दुबे सर ऐसे बोलते हैं कि कॉकरोच आपके 2000 टुकड़े टुकड़े कर देगा, 2000 टुकड़े अगर आप कॉकरोच के सामने गए तो वो आपका 2000 टुकड़ा करेगा, ठीक है यार गजब, मनीष दुबे सर यार लेजेंड है यार, मानना पड़ेगा, सब टीचर लेजेंड है यार, सब टीचर, एक मैं बीकेसी से पढ़ा था विजय कृष्ण चौधरी सर, ऑन दैट टाइम ही वाज आल्सो ग्रेट, हेक्सागोनल ओमनेटेड दिया मोज़ाइक विजन सेंसिटिव हाई रेजोल्यूशन लो, यार दैट्स ग्रेट यार, सब यार सबका फटाफट आंसर आ रहे हैं, सुपर। एंड गाइस इफ यू आर द न्यू ऑन द चैनल सो गो इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, आईटीएन बॉय भी आ गया, चलो वेलकम आईटीएन बॉय, हियर आते आते एकदम एक करेक्ट आंसर के साथ शुरुआत किया, या आर्यन में भी यार, तो या ईशान है, लो ठीक है आप भी पार्टिसिपेट करो, सब कुछ बढ़िया, ठीक है सेम है, सिंपल एक्टिंग ओके, मैसेंजर ये कर सेम एक्टिंग, दुबे सर का बहुत सारी चीजों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मतलब अब आवाज वैसी निकलती कि नहीं निकलती वो तो अलग बात है, वो तो मैं एक्टर नहीं हूँ, बट मैं कॉपी कर लेता हूँ उनको, ठीक है चलो ठीक है, आई थिंक सो की चर्चा हो गया, ठीक है, इमेज क्या होता है, इमेज बताइए, इमेज ओवरलैपिंग इमेज होता है कि नॉन ओवरलैपिंग, एक ये चर्चा के साथ खत्म हो जाएगा, और क्वेश्चन जहां जहां से बनता है चर्चा हो गया, ठीक है, तो यूनिट इसका क्या हो गया, मतलब एक यूनिटरी बात करें तो ओमनीट्रीडिया मतलब 2000 सेगमेंट में काट देता है, ठीक है, उसका विजन इसका मोजाइक विजन है, ठीक है, उसके बाद आप एक बात आप लोग बता दीजिए कि इमेज इसका क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है कि नॉन ओवरलैपिंग होता है, ठीक है ये बताइए, काम खत्म, नॉन ओवरलैपिंग होता है एपोजिशन, हम लोग एपोजिशन नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है बात खत्म, टच ऑल्फेक्शन टेम्परेचर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सुपर, चलो तो अब यहीं पे हम लोग बातों को करते हैं खत्म, हेड रीजन खत्म हो गया हम लोग का, हेड के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, थोरेक्स, क्या पढ़ना है, थोरेक्स, ओके निधि भी आ गई, निधि वेलकम, निधि आते आते सही आंसर, नॉन ओवरलैपिंग आईटीएन बाय ओवरलैपिंग, आईटीएन बाय नॉन ओवरलैपिंग, आपका गलत हो गया, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए कोई बात ही नहीं है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, राइट आंसर दे रहे हो, डेट इज इनफ, एंड अपने टाइम के यूटिलाइज कर सकते हैं गाइज आप लोग, मतलब जो लोग करेक्ट कर लिया मैंने, या ठीक है ठीक है ठीक है, सुने यू आर राइट, नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है स्वीटी, इमेज कैसी है, नॉन ओवरलैपिंग है स्वीटी, ठीक है एपोजिशन है,
नोट कर लो आप इसको, अपोजिशन इमेज नॉन ओवरलैपिंग, चलो सबका आंसर आ गया। एंड गाइस जिन्होंने लाइक नहीं किया सो फटाफट से लाइक कर दो यार सेशन को, योर एवरी सिंगल लाइक मोटिवेट्स अ लॉट। अब थॉरेक्स कितने सेगमेंट में है, 3 सेगमेंट में है, कौन कौन सा थॉरेक्स? प्रोथॉरेक्स, मीजो थॉरेक्स, सॉरी प्रो थॉरेक्स, अब मीजो की मेटा, पहले मीजो की मेटा, मीजो प्रो थॉरेक्स, मीजो थॉरेक्स एंड मेटा थॉरेक्स, प्रो थॉरेक्स, मीजो थॉरेक्स एंड मेटा थॉरेक्स, ठीक है। चलो तो बताना है प्रोथोरिक्स पे विंग्स लगा है कि नहीं लगा है, बताइए जल्दी, आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी भी हम लोग के पास 20-25 मिनट आराम से है, आगे भी बढ़ा देंगे। प्रेम से डिस्कशन करो, एक एक चीज डिस्कस होनी चाहिए, जहां से क्वेश्चन बनने वाला है हर टॉपिक पे होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा देने में कुछ ज्यादा नहीं है हम लोग का। हाँ, प्रोथॉरेक्स मीजोथॉर मेटा, मान लिया यार, मान लिया, ठीक है प्रो मीजो मेटा है यार, ठीक है ठीक है ठीक है, प्रो मीजो मेटा। नो नो क्यों आ रहा है आंसर? अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्वेश्चन पूछा। हाँ प्रोथॉरेक्स पे क्या होता है, नहीं होता है विंग्स, ठीक है, मीजो और मेटा पे होता है, ठीक है। तो मीजो से जो विंग्स अटैच होता है उसको क्या कहते हैं, मेटा से जो विंग्स अटैच होता है उसको क्या कहते हैं? आई नीड फटाफट फटाफट आंसर चाहिए। स्वीटी का आंसर आ चुका है आई थिंक, प्रोथेरेक्स से नेक अटैच है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देती है। चलो दैट्स ग्रेट सुपर। अच्छा आंसर दो, आंसर दो हेड को मूव करने के लिए। स्वीटी एकदम एक नंबर, एक नंबर। आप अपना आराम से पढ़ाई करो, कोई जरूरत नहीं है इसमें ईशान आपको मतलब पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बताओ आप अपना स्टडी करो, ठीक है, ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, काम जिसका है उतना ही करो। मेटाथोरिक्स हैंड विंग, चलो ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास। सबसे पहला आंसर आया सुनेहा का, उसके बाद गौहन का आंसर मैंने ऊपर लिख दिया है भैया पहले। अच्छा क्या लिख दिया? अच्छा सब, ओ हो, ठीक है ठीक है ठीक है, मीजो फोर विंग्स मेटा हैंड विंग, ठीक है। और फोर विंग को हम लोग क्या बोलते हैं, टिगमिना भी बोलते हैं, ठीक है। तो मीजो को फोर विंग और फोर विंग को हम लोग टिगमिना भी बोलते हैं, इलाइट्रा भी बोलते हैं, ठीक है, टिगमिना या फिर इलाइट्रा दोनों बोलते हैं। सुनेहा का भी आंसर आ गया, ठीक है, स्वीटी भी सही है। और जो हाइंड विंग होता है, हाइंड विंग क्या होता है, पतला होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लाइट में हेल्प करता है, तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट भी एक तरह से होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कह सकते हो कि हाइंड विंग ट्रांसपेरेंट भी होता है, पतला होता है। जो मीजोथैरिक से होता है, टिगमिना जिसको इलेक्ट्रा बोलते हैं, फोर विंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है, थोड़ा सा थिक होता है, काइटेनियस होता है, ठीक है, उसके बाद डार्क होता है, ठीक है, ये सब कुछ होता है, ये सब आप लोग समझ लोगे, ठीक है, और प्रोटेक्शन में भी आई थिंक काम करता है। तो सबका आंसर आ ही जाना, सबका आ ही गया, टिगमिना इलेक्ट्रा विंग, ओके सुपर, सबका आंसर आ रहा है। निधि का आंसर आ गया, स्वीटी का आ गया, गौहन का आ गया, सुनेहा का आ गया, सबका आंसर आ गया, ओके। थिन मेम्ब्रेनस आ गया, ठीक है, थिन मेम्ब्रेनस किसको, हैंड विंग को हम लोग कहते हैं, थिन मेम्ब्रेनस ट्रांसपेरेंट यूज्ड इन द फ्लाइट, निधि का आंसर आ गया, ठीक है, ओके ओके, एक नंबर एवरीवन। गाइस गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तो ये यार रिवीजन सीरीज है, ऐसे रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, इनफॉर्मल टॉक है, एक स्टूडेंट के लेवल पे हम लोग बातें करते हैं, कुछ रिवीजन करते हैं वीक में 2-3 चैप्टर का, ठीक है। तो आप सबसे पहले चैनल पे आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइम टेबल देख लो, जुड़ो चैनल पे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या और क्यों और होते रहता है चैनल पे। सब कुछ क्लियर? अब प्रोथोरेक्स पे चर्चा कर लिया जाए हम लोग, प्रोथोरेक्स पे से लेग आई थिंक लगा होता है, प्रोथोरेक्स से क्या लगा होता है पहले ये आप लोग बताइए। आई थिंक हम लोग मीजो और मेटा का अच्छा खासा चर्चा कर लिए, इससे बाहर क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ठीक है। अब प्रोथेरेस को थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद एब्डोमेन को कर लेते हैं, एब्डोमेन के बाद हम लोग एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच को देख लेंगे, ठीक है, मार्फोलॉजी तो देख ही लिया, मार्फोलॉजी खत्म होने वाली है एब्डोमेन के बाद, तो चलो प्रोथोरेक्स को बताओ क्या होता है। निधि बोल रहे गुड सेटअप भैया, ओके थैंक्स निधि।
लाइटिंग कर दे क्या अभी कि रहने दे? आप लोग बोलो तो ब्लू लाइट चला देते हैं, इस लाइट को ऑफ कर देते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, थोड़ा सा वायलेट लाइट, ठीक है वायलेट लाइट, सिटी को वायलेट से करते हैं, करते हैं ठीक है। पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है लास्ट में कर, पहले चर्चा कर लेते हैं, जब लास्ट वाला टॉपिक होगा तब कर देंगे लाइटिंग थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, ऐसे डिस्कशन जाता है ज्यादा अच्छा। अच्छा हाँ ठीक है, ऐसे ही डिस्कशन रहने देते हैं, बाद में लाइटिंग देखते हैं। देखो तो प्रोथोरिक्स से जो हम लोग कनेक्ट होता है ना, कोक्सा कनेक्ट होता है, कोक्सा ठीक है, ट्रैक एंटर, फ्यूमर, टिबिया। तो हमारे पास भी फ्यूमर होता है, रिलेट कर लेंगे उन, और उनके पास भी होता है, हमारे पास भी टिबिया होता है, उनके पास भी होता है। टिबिया लॉन्गेस्ट होता है ठीक है, टिबिया के पास टार्सस होता है जो कि पांचवें सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? पांचवें सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है टार्सस ठीक है। और बस उसका क्या है, एक क्लिव होता है और एक क्या होता है, एरोलियम। तो क्लिव और एरोलियम ये दोनों कॉकरोच को अटैच करने में हेल्प करता है, यानी जो कॉकरोच जो अटैच करके चढ़ता है ना दीवार वाल पर, ये उसको चलने में हेल्प करता है। तो लास्ट सेगमेंट में ये प्रेजेंट होता है। तो टोटल कितना सेगमेंट? तो पांच सेगमेंट में होता है ठीक है। और हर एक सेगमेंट व्हाट यू कॉल इट, हर सेगमेंट में एक-एक पेयर होते हैं ठीक है। ये सब कुछ सारे सेगमेंट में एक पेयर, माने एक इधर भी होंगे और एक इधर भी होंगे, तो ये तो हम लोग रिलेट कर ही लेंगे। अच्छा आंसर आ ही गया, मैसेंजर ईयर का कॉक्सा, ट्रैकेटर, फीमर, टीबिया, टार्सस। ओके एक नंबर, सबके आंसर आ गया ठीक है। टार्सस पांचवें सेगमेंट पे होता है, थोड़ा इसको याद रखना। टार्सस पांचवें सेगमेंट पे शायद एक पीवाईक्यू में ही बैठ चुका है ठीक है, पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन ही बैठ चुका है। टार्सस पांचवें सेगमेंट पे होते हैं, ये पता नहीं शायद बहुत पुराना पीवाईक्यू है, मतलब नीट और एआईबीएमटी में तो शायद रिपीटेशन में नहीं है, ये बहुत पहले का है, मतलब किसी एग्जाम में आया हुआ है। हाँ पहले होते थे ना यार, सब एग्जाम बी एच यू के अलग होते थे, स्टेट वाले सब अलग अलग। हाँ टीबिया लॉन्गेस्ट है ठीक है, तो रिलेट करके याद रख लेना ठीक है। तो एक बार फिर से बोल दो, और ये प्रोथोरिक्स से सब अटैच होते हैं ठीक है, प्रोथोरिक्स से अटैच होते हैं। और आपको पता है प्रोथोरिक्स के कवरिंग कवरिंग को हम लोग कुछ कहते नहीं है, तो प्रोथोरिक्स के कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? यार ये निकल क्या हो गया, प्रोथोरिक्स के कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एक ये भी बता दो। कोई बात नहीं, सुने हैं यार, ऐसे ही करना है ना, जो नहीं कर रहा है उसको नोट कर लो, चर्चा इसीलिए तो रखा गया है। और जो मैं ना बोलूं इंपॉर्टेंट हो तो आप लोग भी बता देना। हाँ गोहन बता रहा है 90-80 समथिंग, या गोहन बिल्कुल पांचवे पे है, बिल्कुल बिल्कुल 82 90 82 इसी तरह करके था ठीक है। हाँ अब प्रोथोरिक्स के कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ 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 जल्दी बताओ, कुछ कहते हैं क्या हम लोग प्रोथोरिक्स के कवरिंग को? प्रोनेटियम कहते हैं क्या शायद प्रोथोरिक्स के कवरिंग को? ये तो यार एनसीईआरटी का, आई थिंक एनसीईआरटी में है ठीक है, तो ये तो याद होनी चाहिए, प्रोनेटियम आई थिंक कहते हैं ठीक है। चलो हाँ आई थिंक ट्रैकेटर स्मॉलेस्ट ही है ठीक है। अच्छा नहीं पढ़ा तो एनसीईआरटी में नहीं होगा, ये भी मैंने नोट किया होगा ठीक है। चलो जब आपने नहीं पढ़ा तो एनसीईआरटी में नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग एनसीईआरटी तो पक्का ही पढ़ोगे ठीक। मैं भी यार पूरा एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, लेकिन माइंड में नहीं बैठ रहा ना, क्या कि कुछ बातें यहाँ से कुछ बातें वहां से, माइंड में नहीं बैठ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा बात है उसको नोट करो ठीक है, मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, PRONOTUM ठीक है। प्रोथोरिक्स के हम लोग कवरिंग को PRONATUM प्रोनेटियम कहते हैं ठीक है। अच्छा नहीं है ठीक है, फिर भी चलो लिख लो, नोट कर लो नोट कर लो, ये थोड़ा सा बाहर है क्वेश्चन, यहाँ से आ सकता है, लेकिन टेगमिना से और इलेक्ट्रा से क्वेश्चन हमेशा आया है ठीक है। तो टेगमिना और इलेक्ट्रा मिस नहीं करना चाहिए ठीक है। क्या टेगमिना और इलेक्ट्रा क्या था? फोर विंग था, कहाँ से? मीजो से ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बना है, हाइंड विंग से क्वेश्चन नहीं बना है ठीक है। तो हाइंड विंग से कम बना है या फिर नहीं बना है, बहुत पहले बना होगा, तो हाइंड विंग का उतना टेंशन नहीं लेना है।
आपको पता है गाइस, मैंने आपसे क्या बोला था कि 15 जनवरी के बाद मैं बाल को हटवाऊंगा, ठीक है? तो क्या हुआ कि यार ठंड, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे मना कर रखा था कि ठंड में आप मत हटवाइए, और हटवाना तो था ही मुझे एक बार। तो क्या हुआ कि यार ठंड बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ, बिल्कुल भी नहीं थी, कम थी 30 दिसंबर तक, अब राजस्थान में, ठीक है? तो और क्या हुआ कि अचानक से यार 1 जनवरी को, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को इतनी ठंड बढ़ गई गाइस, इतनी ठंड बढ़ गई कि पूछो मत। अब यार, अब अफसोस भी करके क्या ही फायदा, तो बस बच रहा हूं। तो मैंने 1 जनवरी को, नहीं मैं 31 को आई थिंक कटवाया था बालों को, ठीक है? और 1 जनवरी को यार इतनी ठंड पड़ गई। चलो हम आगे मूव करें क्या? एब्डोमेन पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने सारा कुछ चर्चा कर लिया, हेड रीजन को कर लिया, थोरेक्स रीजन को कर लिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अब हम लोग आ जाते हैं एब्डोमेन पे, ठीक है? एब्डोमेन पे फटाफट से आ जाओ, बात करते हैं आईटीएम पर। एब्डोमेन पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है? एब्डोमेन कितने सेगमेंट का है, मतलब कितना सेगमेंट है? 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 5 सेगमेंट, 6 सेगमेंट, 7 सेगमेंट, 8 सेगमेंट, 9 सेगमेंट, 10 सेगमेंट, फटाफट आंसर दो। ईयर्स को प्रोटेक्ट करने में काम करता है हवा से। यार लड़कियों का तो बहुत कुछ, बहुत चीजों में हेल्प करता है। गर्ल्स के जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, तो वो तो ईयर्स को भी प्रोटेक्ट कर देता है थोड़ा सा, ठीक है? चीक्स वगैरह सब कुछ को प्रोटेक्ट कर सकता है, बट बॉयज के यार कोई फायदा नहीं है। बॉयज के सिर्फ हेड वाले रीजन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? टेनिन एडल्ट, हाँ चलो ठीक है स्वीटी, ये जो मैंने बात की वो चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, वो मैंने एक ऐसे ही एक आंसर क्वेश्चन आया तो मैंने उसका जवाब दिया। बॉयज को यार ठंड से बचना है तो उनको एक्सटर्नल यूज ही करना पड़ता है, लाइक मफलर, टोपी, दिस ऑल थिंग। टेन टेन टेन, एक नंबर का ऑहन कैंसर, 10 आ गया, स्वीटी कैंसर आ गया, ठीक है? चलो सब कैंसर आ गया। ओके क्रिएट क्रिएट क्रिएट, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो एनल स्टाइल और एनल सरकाई, इस पे हम लोग एनल स्टाइल और इनको हम लोग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी करते हैं, क्योंकि ये मतलब डिफरेंशिएट करते हैं मेल और फीमेल को। तो एनल स्टाइल और एनल सरकाई, सबसे पहले हम एनल स्टाइल पे जाते हैं, ये भी एब्डोमिनल रीजन का ही पार्ट है। तो एनल स्टाइल कहाँ प्रेजेंट है, मेल में प्रेजेंट है कि फीमेल में प्रेजेंट है, तो एनल स्टाइल को आप लोग बताइए। चलिए सब लोग फटाफट। ओके वैभव, या हेलो वैभव, जय श्री कृष्ण टू यू, वेलकम हियर। एंड गाइस, इफ यू आर द न्यू ऑन द चैनल, सो प्लीज गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इज द टाइम टेबल, वी ऑल मूव अकॉर्डिंग टू आवर टाइम टेबल। थोड़ी सी ठंड है तो यार 1-2 घंटा लेट हो ही जा रही है मॉर्निंग के टाइम टेबल से। और वीक में हम लोग 2-3 चैप्टर के रिविजन ऐसे ही करते हैं, तो जो भी चैनल पे न्यू उनको लग रहा हो कि ये क्या हो रहा है, तो यार ये रिविजन हो रहा है। वीक में 2-3 चैप्टर का रिवीजन बायो का हम लोग रखते हैं ऐसे ही, ठीक है? ठीक है, सुनेहा कैंसर आ रहा है, हेल्प इन अनसेगमेंटेड, ठीक है ठीक है ठीक है, सुपर। देखो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एनल स्टाइल सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ऐसे देखो ना, स्टाइल मेनली मेल मारता है ना, ठीक है? स्टाइल मेनली मेल मारता है, तो ये याद रखना चाहिए कि ऐसे रख लो कि मेल स्टाइल मार रहा है, ठीक है? तो एनल स्टाइल कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ मेल में प्रेजेंट है। बट एनल सरकाई दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है? मेल में भी प्रेजेंट है और फीमेल में भी प्रेजेंट है, ठीक है? बात खत्म, ठीक है? अब जो एनल स्टाइल है वो कॉपुलेशन में तो हम लोग को हेल्प कर, सॉरी नॉट हम लोग को, कॉकरोच को कॉपुलेशन में तो हेल्प कर ही रहा है एनल स्टाइल, ठीक है? और कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है, सेगमेंट बताइए फटाफट से, सेगमेंट बताओ एनल स्टाइल के, सेगमेंट बताओ। या प्रेजेंट ऑन 9 सेगमेंट, चलो आंसर आ रहा है प्रेजेंट ऑन 9 सेगमेंट, सुपर सुपर। निधि का आंसर आ गया 9 सेगमेंट, और किसी का आंसर नहीं है 9 सेगमेंट। आई एम वेटिंग फॉर द 9 सेगमेंट यार। एनल सरकाई बोथ मेल्स एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है? और एनल स्टाइल 10 सेगमेंट में प्रेजेंट है, गोहन का आंसर आ चुका है, ठीक है? सुपर, सब का आंसर ठीक है, चलो चलो चलो, मस्त मस्त मस्त। और सेंसरी रिसेप्टर भी होता है, सेंसरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, एनल स्टाइल में प्रेजेंट होता है कि एनल सरकाई में प्रेजेंट होता है, इसको बताइए, फिर ये टॉपिक खत्म, इससे बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं जाएगा। बार बार क्यूआईक्यू में यहीं से क्वेश्चन बना है और यहीं से बनेगा इस बार भी। वैभव यार बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट था, ठीक है?
एंड आरंभ है ग्रुप से, वैभव की भी, वैभव ने बहुत बेहतर पढ़ाई की है यहाँ पे, ठीक है, एंड सिलेक्शन ये ले चुका है, सो नाउ ही इज इन आईआईटी, सॉरी एनआईटी। ओके, सो वैभव आपके उज्जवल भविष्य की कामना यार, पूरी आरंभ में टीम करती है और मैं भी करता हूँ एकदम यहाँ से, ठीक है, पर्सनली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, दबाकर मेहनत करो और कर भी रहे हो, ठीक है, तुमसे बातें होती है तो मुझे पता चलती है कि तुम बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, ठीक है। तो सबको यार, सबको बधाई, अंकित को, वैभव को, अपना दक्ष को, सबको बधाई। हाँ सिगमेंटेड, अब ये बताइए कि एनएल स्टाइल सिगमेंटेड है कि एनएल सरकाई सिगमेंटेड है, जल्दी बताओ। एनएल स्टाइल अनसिगमेंटेड है और एनएल सरकाई सिगमेंटेड है। सुनेहा के आंसर सबसे पहले आया, मैसेंजर हियर इज सुनेहा, ठीक है, तो सुनेहा के आंसर सिगमेंटेड आ चुका है, किसी ने पहले भी दिया होगा बट मुझे दिखा नहीं है, तो यार सॉरी, ठीक है। एंड यार जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, सो सेशन को लाइक कर दो यार, योर एवरी सिंगल लाइक मोटिवेट अस अ लॉट। हाँ वैभव, थोड़ा आईटीएन वगैरह से बात कर लो, ठीक है, ये ब्रिलियंट बच्चा है, अपना बच्चा आईटीएन हुआ है, बहुत ब्रिलियंट है, बट थोड़ा कंफ्यूज रहता है, इसका ब्रिलियंसी इसका कंफ्यूजन का कारण है, तो थोड़ा तुम इससे बात कर लो अभी, बाकी हम लोग अपना बात इधर करते हैं, हम लोग अपना फोकस इधर लेकर आए, ठीक है। तो हम लोगों ने यार बात कर लिया, किस चीज पे बात कर लिया, अब एब्डोमेन पे भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया, ठीक है, लेकिन एब्डोमेन में कुछ और भी चीज होते हैं, तो एब्डोमेन में कुछ और चीज क्या होते हैं, जेनाइटल पाउच भी होते हैं, ठीक है, तो जेनाइटल पाउच मेल में और फीमेल में, जल्दी आइए, जेनाइटल पाउच को हम लोग चेंबर भी कहते हैं, तो मेल में भी प्रेजेंट होता है, फीमेल में भी प्रेजेंट होता है, हम लोग ऐसे करके चर्चा कर लेते हैं। तो फीमेल में मतलब फीमेल में कौन सा सेगमेंट होता है, मेल में कौन सा सेगमेंट होता है, फटाफट से आप लोग लिखना शुरू कीजिए, कोई भी फालतू चैट फालतू टॉक पे नहीं जाएगा, फटाफट से आंसर पे आइए, ठीक है, एंड स्पैम तो कोई बिल्कुल भी नहीं करेगा, आंसर पे आ जाओ, स्वीटी गोहन सब लोग आंसर पे आ जाओ, मैसेंजर ही है। किस चीज का सेगमेंट रिपीट करना है, सुने हैं, किस चीज का सेगमेंट रिपीट करना है, किसका, एनएल सरकाई की एनएल स्टाइल का, ये बताओ जल्दी, एनएल स्टाइल 9 सेगमेंट होता है, एनएल सरकाई 10 सेगमेंट होता है, ठीक है, एब्डोमेन, जेनाइटल पाउच या फिर चेम्बर, ठीक है, फीमेल एंड मेल, 7, 8 और 9 सेगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 7, 8 और 9 सेगमेंट वेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कहाँ, फीमेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, फिर उसका तो 7 सेगमेंट बोट सेप होता है, ठीक है, किसी का आंसर आया हुआ है, 7 सेगमेंट बोट सेप, देख लूँ मैं एक बार, बोट सेप इन फीमेल या गोवन, ठीक है, चलो सुपर, 7 सेगमेंट बोट सेप होता है, और थोड़ा थोड़ा यार एनसीआरटी में बाहर भी जा रहा हूँ, तो टेंशन मत लेना, जूलॉजी है थोड़ा मैं बाहर जा सकता हूँ, इसमें भाई मुझे इजाजत दे दो, मैं बोटनी में कभी बाहर नहीं जाऊंगा, और बोटनी के चर्चा में मैं कभी बाहर गया भी नहीं था, ठीक है। मेल में 9th एंड 10th टर्गम एंड फीमेल पर 7 to 9, चलो सुपर, स्वीटी का भी आंसर आ गया, मेल में 9th एंड 10th, ठीक है, 9th और 10th को हम टर्गा बोलते हैं, ठीक है, वेंट्रल 9th पे, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो सुपर। एनस जो होता है मेल में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है कि पोस्टेरियरली प्रेजेंट होता है, इसका आंसर दे दो, मैं ही आप लोग से क्वेश्चन के फॉर्म में बना के पूछ लेता हूँ, एनस, ठीक है, कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 8, 9 सेगमेंट, यहाँ पे 10 सेगमेंट, फिर हम जब ऐसे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को 9 से और यहाँ पे हम लोग को एनस देखने को मिलता है, तो एनस एंटीरियर होता है कि पोस्टेरियर होता है, साउंड आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम है मुझे भी पता है, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लो यार, मेडिकल स्टडी ग्रुप्स एंड ब्लॉग मैनेज कर लो, मैं जल्दी यार माइक की व्यवस्था करता हूँ, ठीक है, आप लोग यार सपोर्ट करो अच्छे से, ठीक है, मैं धीरे धीरे सब कुछ मैं करूंगा यार, आप लोग का सपोर्ट तो मिले पहले, जिन्होंने यार अब तक सेशन को लाइक किया, सो प्लीज लाइक द सेशन यार, तुम लोग जल्द से जल्द सपोर्ट करो, बूस्ट करो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार और इसको बेहतर बनाऊं और एक बेहतर स्टडी प्लेटफॉर्म मैं बना पाऊँ, तो यार आई नीड यू योर, तुम सबका सपोर्ट मुझे चाहिए ही चाहिए यार, मैं इस बार किसी प्राइवेट या फिर किसी कॉलेज को इसलिए नहीं दिया कि मैं किसी का साथ नहीं छोड़ू, मैं चाह रहा था कि एक बार और मैं पढ़ाई कर लूँ यार, तो मुझे भी तुम लोग सपोर्ट करो, चलो सबका आंसर आ रहा है पोस्टीरियर, ठीक है ठीक है ठीक है, पोस्टीरियर पोस्टीरियर, ठीक है ठीक है,
गहन कैंसर आ रहा है प्रोस्टेट, बाबू गहन इंटीरियर होता है, ठीक है, सुनेहा कैंसर इंटीरियर सही है, ठीक है। देखो एनस जो होता है ना, जस्ट कुछ ऐसे होता है, जैसे इस तरीके से, इस तरीके यहाँ, तो इसको प्रोस्टेरियर तुम नहीं कह सकते, प्रोस्टेरियर के ऊपर में, ठीक है, तो इसको तुम इंटीरियर ही कहोगे, तो इंटीरियर रट लो, रट लो, अब समझना क्या है, रट लो। मैं ईयरबड का ही यूज कर रहा हूँ स्वीटी, ठीक है, ईयरबड का, कुछ आई थिंक ईयरबड में ही प्रॉब्लम है, गॉट इट? तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेकार सा कर रहा होगा आवाज, थोड़ा सा तो मैनेज कर लो ना। हालांकि मैं देखता हूं कि थोड़ा सही हो जाए तो हो जाए। कहीं यार सही करने के चक्कर में ये भी खराब ना हो जाए, अच्छा तो आवाज आ ही रहा है, मैनेज कर लो ना प्लीज। क्या मैं जल्द से जल्द सही करता हूँ प्रॉब्लम को? चलो सब कैंसर आ गया ना। देखो फीमेल में जो प्रेजेंट होता है और मेल में, तो मेल का इंटीरियर पार्ट पे एनस प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेरियर पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम लोग क्या करते हैं, फिलोमर्थ भी हम लोग कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम लोग फिलोमर्थ भी कहते हैं। अब फीमेल में इंटीरियर में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रोस्टेरियर में क्या, प्रोस्टेरियर को हम लोग क्या कहते हैं, फटाफट से लिखो, और किसी ने लिखा होगा तो मैं देख लेता हूं। देखो माइंड में फ्री सीरीज देख लो, हेल्प करेगा जिसको प्रॉब्लम है। या सुने हैं आप, सही कह रहे, कोई दिक्कत नहीं। इंटीरियर पार्ट में क्या क्या है, जल्दी आंसर मेरे सामने आंसर आना चाहिए यार, मैं आपके आंसर पे भी मेरी नजर है। इंटीरियर में स्पर्म, ठीक है, कोलेट्रल ग्लैंड, गोनोफोर, सही है, मैसेंजर ईयर, एकदम सही, ठीक है। और पोस्टेरियर को हम लोग क्या बोलते हैं, गोनोफाइसिस कहते हैं, तो फीमेल में गोनोफाइसिस कहते हैं पोस्टेरियर को, और मेल में क्या कहते हैं, फैलोमियर्स कहते हैं, या फिर एक्सटर्नल जेनिटेरिया कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे अब समाप्त करते हैं एनाटॉमी को, सॉरी हम लोग किसको समाप्त करते हैं, मार्फोलॉजी को। तो मार्फोलॉजी हम लोग का समाप्त अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, कुछ बेसिक्स पढ़ा, ठीक है, एंड उसके बाद हम लोगों ने मार्फोलॉजी को देखा, हेड रीजन को देखा, थोरेक्स रीजन को देखा, हम लोगों ने एब्डोमेन रीजन को देखा, ठीक है। सब में सेगमेंट सबका इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट में एक बार धड़धड़ा भी दिया जाएगा हम सबको भी मिलकर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग खत्म किया, हम लोग एब्डोमेन पे, एनाटॉमी पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, बैपो बाय, आप यही ध्यान रखिए और अच्छे तरीके से सब कुछ कीजिए, बात करते हैं आपसे। भाई बिल्कुल बाहर जा रहे हैं गौहर, आई नो दैट, ठीक है। अब इसके बाद से मैं ज्यादा बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है, इसका से एकदम थोड़ा बाहर जाऊंगा, थोड़ा बाहर जाऊंगा, ठीक है, इतना नहीं आने वाला है, आप टेंशन ही मत लो, जितना आपको याद है उतना ही आने वाला है, टेंशन मत लो। हाँ इसमें से जो लगे कि जो इम्पोर्टेंट है उस बात को नोट कर लो, मैं क्वेश्चन के ही फॉर्म में पूछ रहा हूँ, इसीलिए देखो ना मैंने एनसीईआरटी भी, एनसीईआरटी का भी नोट्स मैंने निकाल लिया है। अब एनाटॉमी में आ जाओ, एनाटॉमी में सबसे पहले हम लोग क्या चर्चा कर ले, हम लोग एलिमेंट्री कैनाल पे ही चर्चा कर लेते हैं एनाटॉमी में, क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लेते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल किस किस चीज को इंक्लूड करता है, गाइस?
पता नहीं मेरा जोश इतना कम क्यों हो गया, अभी हमको अचानक से हमको लो फील हो रहा है। वेट 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 वेट, मुझे थोड़ा हाई फील करने दो। चलो तो एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस चीज को इंक्लूड करता है? थ्री पार्ट, सिटी का भी आंसर आ गया, फोर गट मिड गट और हिंड गट को करता है, ठीक है। फोर गट मिड गट और हिंड गट को क्या, फोर गट मिड गट और हिंड गट को डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले फोर गट को लेंगे, फिर हम लोग मिड गट को लेंगे, फिर हम लोग हिंड गट को लेंगे। तो देखो फोर गट में क्या होता है, फोर गट का ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। फोर गट का ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल होता है। मिड गट का ओरिजिन क्या होता है, आप लोग बताओ, मिड गट और हाइंड गट का ओरिजिन आप लोग बताओ। ओरिजिन बताओ, हाइंड गट का भी एक्टोडर्मल और मिड गट का क्या होता है, मेसोडर्मल, ठीक है। मिड गट का इंडोडर्मल, ठीक है। तो एक्टोडर्मल फोर गट और हाइंड गट का, और मिड गट का इंडोडर्मल हो जाता है, ठीक है। तो क्यूटिकल जो प्रेजेंट होता है, अब ऐसे याद रखो, जिसका एक्टोडर्मल है उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट है, जिसमें एक्टोडर्मल नहीं है उसमें क्यूटिकल अब्सेंट है। तो एक्टोडर्मल किसका है, फोर गट और हाइंड गट का। मिड गट का एक्टोडर्मल नहीं है, मिड गट का क्या है, इंडोडर्मल है, तो क्यूटिकल यहाँ पर अब्सेंट है, ठीक है, याद रहेगा। चलो सुपर, सुनहर का भी आंसर राइट है, स्वीटी का भी आंसर राइट है, गोहन का भी आंसर राइट है। माउथ फेरिंग्स, इसोफिगस, क्रॉफ गिजार्ड, हेपेटिक सीकम, इलियम्स, कोलोन, रेक्टम, अरे बाप रे बाप, गजब, ऊपर से नीचे तक आ गए, ठीक है। तो फोर गट वाले पहले हम लोग पार्ट को चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। फोर गट वाले पार्ट में क्या क्या इंक्लूड, जल्दी बताओ, कहाँ गए फोर गट वाले पार्ट में? माउथ फेरिंग्स, इसोफिगस है कि नहीं है, क्रॉफ, मिड गट, इंडोडर्मल, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सबका सही आ रहा है। भाई मेरा टैब कहाँ गया, मैं आप लोगों का कमेंट कैसे देखूंगा, ऊपर नीचे। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफिगस, क्रॉप, गिजार्ड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुपर। और सलाइवरी ग्लैंड को क्यों भूल जा रहे हो आप लोग? देखो सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, एक पेयर होता है, कितना होता है, एक पेयर होता है, ठीक है। उसको हम लोग बाइलोब, और सलाइवरी ग्लैंड बाइलोब भी होता है, ठीक है। जो कि किस चीज को रिलीज करता है, कार्बोहाइड्रेट इंजाइम को रिलीज करता है, जो कि एक डाइजेस्टिव इंजाइम है। और जब सलाइवरी ग्लैंड उसको रिलीज करता है तो वो कहाँ आता है, इसोफिगस में आता है। इसोफिगस से वो कहाँ जाता है, क्रॉप में जाता है, ठीक है। तो इसोफिगस एक पतली सी ट्यूब से ऐसे होगा, आप देखिए कॉकरोच में ऐसे होगा, इसोफिगस धीरे धीरे खुलेगा, ठीक है। तो इसोफिगस के बाद क्रॉप में आता है, ठीक है। क्रॉप क्रॉप कहते हैं जहाँ पे क्रॉप में स्टोरेज ऑफ फूड होता है, तो वहां पर आकर ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम क्रॉप में आता है, तो वहां पे सारे फूड मतलब उसके साथ मिक्सअप होते होंगे, ठीक है, सब कुछ क्रिया होता होगा। उसके बाद गिजार्ड, गिजार्ड में क्या होता है, छे काइटेनियस टीथ होता है फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। और ये क्वेश्चन आया है, और आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये तो बाहर नहीं है ना, ये तो एनसीईआरटी का लाइन है ना, ये मुझे याद है एनसीईआरटी का लाइन, इसलिए मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। गिजार्ड हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड, इट हैज एन द आउटर लेयर ऑफ द थिक सर्क्यूलर मसल एंड द थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग द सिक्स काइटेनियस प्लेट्स। या बिल्कुल, हिपेटिक उसका पार्ट नहीं है, वो जंक्शन पर प्रेजेंट होते हैं दोनों के। बिल्कुल स्वीटी, यू आर राइट, ठीक है, मैं चर्चा कर रहा हूँ। हिपेटिक सिका आपको, हिपेटिक सिका जो होते हैं वो किस चीज के, मतलब फोर गट और मिड गट के जंक्शन में होता है, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब हिपेटिक सिका के हम लोग काम पे भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो हिपेटिक सिका का काम क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का भी काम करता है, ठीक है, और किस चीज का काम करता है, फैट का भी काम, फैट का भी डाइजेस्टिव, प्रोटीन का भी डाइजेस्टिव, हाँ प्रोटीन फैट ये सबका डाइजेस्टिव करता है, किस मतलब सबका डाइजेशन ये कर देता है। नहीं है एनसीईआरटी लाइन स्वीटी, एनसीईआरटी लाइन है यार, ऐसे मत बोलो, एनसीईआरटी लाइन है, मेरे सामने एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट भी खोल लिए हुए हैं, ठीक है। गिजार्ड हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड, इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ द थिक सर्कुलर मसल एंड द थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग द सिक्स काइटेनियस प्लेट दैट इज नोन एज टीथ, दिस इज एनसीईआरटी लाइन स्वीटी, ऐसे मत बोलो यार,
ऐसे तुम लोग बोलोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। एक तो बहुत समझ समझ के यार मुझे बोलना पड़ रहा है कि थोड़ा सा एनजीआरटी से मैं बाहर जाऊं, बहुत ज्यादा ना जाऊं। नहीं है एनसीआरटी लाइन, फिर बोले। अच्छा नहीं है एनसीआरटी लाइन, अच्छा मैं समझ गया, है एनसीआरटी लाइन, ठीक है। आई मीन है, ओके सुपर, आई मीन है, ओके मैं समझ गया यार, समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक है। तो हिपेटिक सीका के बाद अब क्या आता है, ठीक है बताइए। माल्फिजियन टिब्यूल, माल्फिजियन टिब्यूल इलियम, इलियम कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। इलियम कोलन रेक्टम, तो रेक्टम जो होता है 6 रेक्टल पैपलिया प्रेजेंट होते हैं रेक्टम में, जो कि एब्जॉर्वेशन में उसको मदद करते हैं। बस इस चीज को याद रखना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब एक पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन दिया जाता है, एक पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन होता है जो मिड गट पर हमने चर्चा नहीं की, जो कि वाल ऑफ मिड गट को बनाता है, ठीक है। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन वाल ऑफ मिड गट को बनाता है, प्रोटेक्शन करता है वो, ठीक है। किस चीज का, वो भोजन के आसपास यानी फूड के आसपास प्रेजेंट होता है, वो प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन फूड के आसपास प्रेजेंट होता है और वो प्रोटेक्शन करता है, बात खत्म। इससे बाहर क्वेश्चन यार नहीं बनेगा। क्रॉप में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, स्वीटी सही कह रही है। माल्फेजियन टिब्यूल एट, माल्फेजियन टिब्यूल मिड गट और हाइंड गट ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बहुत सही, जंक्शन पे प्रेजेंट होता है कह सकते हैं। हर्ष पटानी मैं बात करता हूँ, ठीक है, आपसे बात करता हूँ लास्ट में। हो गया डाइजेस्टिव, एलिमेंट्री कैलान के हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पे चर्चा कर लिए ना, बात खत्म। तो चलो अब मैं एक बार एनसीआरटी का लाइन पढ़ देता हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि एनसीआरटी से बाहर गया सब कुछ। तो फोर गट में क्या, फोर गट इज द लाइन बाई क्यूटिकल, इट इंक्लूड माउथ फेरिंग्स इसोफिगस क्रॉप टू स्टोर फूड, हम लोग चर्चा कर चुके हैं शॉर्ट नोट से। गिजार्ड, गिजार्ड को हम लोग प्रोवेंट्रिक्यूलस भी कहते हैं, ठीक है। एनसीआरटी का लाइन ही याद रखना है, ठीक है। गिजार्ड हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है। इट हैज द आउटर लेयर थिक सर्कुलर मसल, थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग सिक्स काइटिनियस प्लेयर, जिसको हम लोग टीथ भी कहते हैं। मिड गट को हम लोग मिजेंट्रॉन भी कहते हैं। इट इज नॉट लाइंड बाई क्यूटिकल, इसमें क्यूटिकल से लाइनिंग नहीं है। 6 से 8 टिब्यूल है, हिपेटिक एंड गैस्ट्रिक सीका आर सीन एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड द मिड गट, ठीक है। हिपेटिक एंड गैस्ट्रिक सीका आर सीन एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिड गट, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, मिड गट डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है, ठीक है। माल्फेजियन टिब्यूल फिलामेंटस, चलो ठीक है सही है। एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड द हाइंड गट देयर आर 100 से 150 माल्फेजियन टिब्यूल, ठीक है। मतलब 100 से 150, इस नंबर को याद रखो, ये नंबर मैं छोड़ रहा था। तो माल्फेजियन टिब्यूल का नंबर कितना है, 100 से 150, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है यार, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये नहीं आएगा, ठीक है। अब हाइंड गट में क्या है, इट इज द बोल्डर देन द मिड गट, मिड गट से ज्यादा चौड़ा होता है, ठीक है, यानी बोल्डर होता है, लाइंड बाय द इंटरनली क्यूटिकल, ये हम लोग चर्चा कर लिया है। हाइंड गट में इलियम कोलन और रेक्टम होते हैं, रेक्टम ओपन थ्रू द एनस होता है, ठीक है। और रेक्टम में 6 रेक्टल पेपलिया होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, जो कि एनसीआरटी के बाहर है, ठीक है। आई थिंक एनसीआरटी के बाहर है, रेक्टल पेपलिया एनसीआरटी के बाहर है ना, एक बार कंफर्म कर देना, क्योंकि एनसीआरटी के नोट में नहीं दिया हुआ है, तो एनसीआरटी के बाहर है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेस्कुलर टाइप, ओपन टाइप की क्लोज टाइप, जल्दी जल्दी चर्चा करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को गाइस। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट रिमूवेबल बट फ्रॉम हिमोलिम्फ, या मैं सुनेहा आते हैं वहां पे, आप सही बता रही हैं, ठीक है। पूरा हम लोग उस सिस्टम को ही चर्चा करेंगे, और किस फॉर्म में होता है, पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में होता है, इस पे भी चर्चा करेंगे। यानी जो बॉडी ट्यूसी होता है ना, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को किस फॉर्म में रिलीज करता है,
तो पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में करता है, ठीक है, फिर यूरिक एसिड को क्यों नहीं करता है, यूरिक एसिड को मालफिजेंट टिब्यूल उसको निकाल देता है, कैसे निकालता है, पूरे मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे, एक बार हम लोग चर्चा कर लेंगे मनीष दुबे सर के स्टाइल में। एक हम लोग क्या बनाएंगे, मालफिजेंट टिब्यूल को बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक मालफिजेंट टिब्यूल को बनाकर सारे चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत? मजा तो आ रहा है ना गाइस? अगर मजा आ रहा है तो यार ठोको, जल्दी जल्दी लाइक ठोको या फिर कमेंट बॉक्स में आग लगाओ, ठीक है। एंड इफ यू आर द न्यू ऑन द चैनल तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ और जाकर टाइम टेबल देख लो, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आग का वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आग लगा दो यार। और एक बात याद रखना, जो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का मैंने हम लोगों ने चर्चा किया है, इससे क्वेश्चन बनी हुई है, ठीक है। 13 चैम्बर हीमोसील कैविटी इनटू द 3 सेंसर पोटेंशियल विशर न्यूरल सेंसर, चलो ठीक है, आपका भी सही है, ठीक है। आग लगा दो यार, फटाफट से आग लगाओ सब कोई। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट ब्लड और ब्लड कैविटी, ठीक है। तो हार्ट क्या होता है, न्यूरोजेनिक होता है, 13 चैम्बर होता है। अब न्यूरोजेनिक एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब न्यूरोजेनिक आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं तो बाहर है, तो इतना टेंशन नहीं लेना है कि यार एनसीईआरटी में याद है नहीं है, ठीक है। 13 चैम्बर होता है, याद होना चाहिए, 13 चैम्बर आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। ब्लड जो होता है वो क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है। अब हीमोलिम्फ आपको याद होना चाहिए, ठीक है, हीमोलिम्फ कलरलेस है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट इस पे एब्सेंट है, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में ऐसे नहीं लिखा, लेकिन याद रख लो, ये तो जब कलरलेस है तो जाहिर बात है कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट इसमें एब्सेंट होना ही होना है, ठीक है। तो कलरलेस है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है, किसी में ब्लड, तो ब्लड के हीमोलिम कलरलेस इस पर। अब ब्लड कैविटी जो क्या है, वो हीमोसील है, कैविटी सील, ये भी याद रहेगा। बात खत्म, बात खत्म, इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला है क्या? हीमोलिम एनसीईआरटी का पार्ट है, ठीक है, इसलिए सबको को याद होना चाहिए। हार्ट न्यूरोजेनिक है, सबको तो याद ही है, चलो ठीक है। 1 नंबर, गहन कैंसर आ गया, सुनेहा कैंसर आ गया, स्वीटी कैंसर आ गया, ऑस्टिया प्रेजेंट ऑन हार्ट। ओके 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 ऑस्टिया इन साइनसिस। मैं समझ नहीं पाया, अगर आपको कुछ इसके बारे में विशेष पता हो तो आप समझाना चाहते हो तो आप समझा सकते हो, मैं बेहतर तरीके से इसको रिलेट नहीं कर पाऊंगा। आप पूछना चाह रहे हो या बताना चाह रहे हो? ऑस्टिया प्रेजेंट ऑन हार्ट, स्वीटी ने बोला ऑस्टिया प्रेजेंट ऑन हार्ट। स्वीटी आप मतलब कहना क्या चाह रहे हो, थोड़ा आप हमको बताना, ठीक है, हालांकि मैंने तो पढ़ा नहीं। तो कुछ शेयर करना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल खुलकर बताइए, फटाफट बताइए। तो हार्ट कितने चैम्बर का है, 13 चैम्बर का है, ठीक है, और क्या है, डॉर्सल है, पोजीशन इसका डॉर्सल है। और मसल भी एक पाया जाता है हार्ट में, तो ये जो मसल पाया जाता है ना, इस मसल का क्या नाम है, जल्दी फटाफट से लिखिए। और इस मसल का नाम है एलरी मसल, और जो एलरी मसल होता है ना, जो गांव में हम लोग फैन देखे हैं ना, हैंड फैन, उस टाइप का होता है, कुछ ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके होता है, ठीक है, तो हैंड फैन की तरह होता है एलरी मसल, ठीक है। तो इसका एक बार जाकर हर्ट का डायग्राम देख लीजिएगा, और एलरी मसल से क्वेश्चन आया हुआ है, एक बना देता है हर्ट, अब पूछ देता है कि एलरी मसल क्या है, हालांकि मैच द फॉलोइंग में, चूज द करेक्ट में, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है, हैंड फैन की तरह दिखने में होता है, उसमें स्ट्रिप स्ट्रिप लगा होगा आपको डायग्राम में, ठीक है, इजी है। तो एलरी मसल होता है, ये आप लोग समझ जाइएगा। और ये कितना होता है, 12 पेयर होता है, कितना होता है, 12 पेयर, 13 पेयर कौन बता रहा है, अच्छा हाँ, हर्ट 13 पेयर है, ठीक है, एलरी मसल 12 पेयर होते हैं। आई थिंक यहां तक सुपर चर्चा हो गया, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। ओ सॉरी यार, ऑस्टिया अभी मुझे याद है यार, यार स्वीटी गॉट इट यार, ऑस्टिया जिसे थ्रू ब्लड विसरल वाला पार्ट अंदर आते हैं। हाँ, यार मुझे अब एनसीईआरटी का लाइन ही, फनल सेफ चैम्बर जो है उसी का ना चर्चा कर रहा विद ऑस्टिया ऑन आइदर साइड, ठीक है यार, एनसीईआरटी का लाइन ही है मेरे माइंड में बैठ गया, पार्ट से अंदर आते हैं एंड फिर फ्लो एटसेट्रा होता है, ठीक है। हाँ ये एनसीईआरटी का बात है यार, कहाँ दिमाग चला जाता है मेरा भी यार कभी कभी। तो मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रिया कहाँ से लाती, ठीक है, अब
पता है मैं इसमें क्या सोचने लगा, मैं इसमें अमीबा वाला कहानी सोचने लगा, ठीक है, पोरीफेरा, सॉरी पोरीफेरा वाला कहानी सोच, हाँ वही, ठीक है, पोरीफेरा में चला गया था। अब चलो अब रिस्पायरेटरी सिस्टम पे चर्चा करते हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम बताइए, रिस्पायरेटरी सिस्टम कितने पेयर्स के होते हैं, और पेयर्स में जल्दी बताइए रिस्पायरेटरी सिस्टम कितने पेयर्स, क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रहे हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम कितने पेयर्स, got it city, got it, टेन पेयर ऑफ स्पेरिकल प्रेजेंट नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया सुपर्ब, सबका आंसर आ रहा है। टेन पेयर में कुछ दो पेयर प्रेजेंट होता है और कुछ आठ पेयर प्रेजेंट होता है। तो दो पेयर कौन सा होता है, दो पेयर थॉरिक्स होता है, आठ पेयर एब्डोमेन में होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग देखिए कैसे कॉकरोच, जैसे हम लोग मानेंगे कि ये कॉकरोच है, ठीक है, अच्छा हम लोग क्या मानेंगे कॉकरोच है, ठीक है। तो कॉकरोच के ये जो रीजन है यहाँ पे स्पेरिकल्स मान लेते हैं, ठीक है, स्पेरिकल्स, यहाँ से एयर अंदर भी जाते हैं और यहीं से बाहर आते हैं। तो यहाँ पे स्पेरिकल्स है, स्पेरिकल से एयर अंदर गए, अंदर गए तो आर्ट्रिया यहाँ पे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आर्ट्रिया, इस रीजन पे आर्ट्रिया होते हैं। तो आर्ट्रिया से एयर अंदर गए ट्रैकिया में, ठीक है, ट्रैकिया से ट्रैकियोल में गए, ठीक है, और ट्रैकियोल से छनकर वो टिश्यू में गए, टिश्यू में जाकर उनकी डिफ्यूजन हो रही है, और टिश्यू से टिश्यू मतलब टिश्यू से वो फिर एयर ऐसे आकर वो तुमको स्पेरिकल्स के थ्रू बाहर भी निकल रहे हैं। तो आई थिंक ये रीजन भी कंप्लीट, ठीक है। अब एक चीज और, जो जो हम लोग का मतलब स्पेरिकल्स है उसके जस्ट नीचे एक और चीज लगा होता है, वो होता है टर्गो एक्सटर्नल मसल, ठीक है, जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करता है। टर्गो एक्सटर्नल मसल ब्रीदिंग में हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या करता है, और रिलैक्स होता है तो क्या करता है, ये आप लोग बता दीजिए। आई थिंक एनसीईआरटी में है कि नहीं है, मैं देख लेता हूँ यार, एनसीईआरटी में ये पार्ट नहीं है, बट आप लोग बताइए। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक्सपायरेशन करता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक्सपायर, रिलैक्स करता है तो इंस्पायरेशन करता है, हमारे ही तरह। सुनेहा का भी आंसर आ रहा है, ठीक है, हर्ष का भी आंसर आ रहा है, सबका आंसर सही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायरेशन एंड रिलैक्स तो इंस्पायरेशन, सुपर, एक नंबर। अब बताओ इससे बाहर क्वेश्चन बनने वाला है क्या, चलो एनसीईआरटी भी एक बार कर देते हैं। तो एनसीईआरटी में क्या है कि ट्रेकिया ओपन थ्रू द टेन पेयर, स्पेरिकल प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, ट्रेकियल ट्यूब्स जिसको ट्रेकियोल्स कहते हैं, दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ऑल पार्ट, तो ऑल पार्ट मैंने बता ही दिया कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है। तो स्पेरिकल से होते हुए आर्टेरिया से होते हुए ट्रेकिया, ट्रेकिया से ट्रेकियोल, तो ऑल पार्ट में आ ही गया, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटेड होते हैं किस चीज से, तो स्पिंटर से रेगुलेटेड होते हैं, और गैस एक्सचेंज करते हैं ट्रैकियोल थ्रू डिफ्यूजन। तो ये सब पे तो सर ये एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है, मजा तो आ ही गया होगा यार, है मजा आया, क्या मजा आया, तो ठोको लाइक यार, ठंड ठंड बहुत ज्यादा हो गया, मेरा पूरा पैर सूज गया है। अब रिस्पायरेटरी हो गया, एक्सक्रेटरी पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, एक्सक्रेटरी पे आ जाओ सबको ही फटाफट। ब्लड रिस्पायरेटरी सिस्टम थ्रू विद द ऑक्सीजन सप्लाई सो द ब्लड डज नॉट हैव कैरी ऑक्सीजन, ओके सुपर, एक नंबर। डिफ्यूजन ट्रैकियोल्स में होते हैं, सुनेहा का कहना है, सुनेहा आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ट्रैकियोल डिफ्यूजन ट्रैकियोल में नहीं होते हैं, डिफ्यूजन होते हैं टिश्यू में। सुनेहा देखो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है, डिफ्यूजन कहाँ होता है, जैसे कि एयर आता है स्पेरिकल में, ठीक है, स्पेरिकल से आर्ट्रिया, आर्ट्रिया से कहाँ आता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ट्रैक्यूल, ट्रैक्यूल से होते हुए वहीं पे क्या होता है टिश्यू से बाइंड करता है। तो डिफ्यूजन कहाँ होता है टिश्यू में, बस ट्रैक्यूल के थ्रू जाता है। तो आपने भी गलत नहीं कहा, ये कॉन्सेप्ट की बात है, आपका भी आंसर सही ही होने वाला है, मैं इसको गलत नहीं कहूंगा यार, देखो ये बायोलॉजी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट की बातें हैं, सही आपका भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, सबका सही हो जाएगा, ठीक है, बात बात खत्म है। लेकिन हाँ डिफ्यूजन टिश्यू में होता है,
ट्रैकियोल के थ्रू टिफ्यूज में, या बिल्कुल थ्री फैट बॉडी यूरिकोस ग्लैंड नेफ्रोसिस। चलो अब आ जाओ एक्सक्रेटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले तो ये बताओ, यूरियोटैलिक है, यूरियोकोटैलिक है, क्या है? यूरियोटैलिक है कि यूरियोकोटैलिक है, बताओ बताओ बताओ। यूरियोकोटैलिक है क्यों? क्योंकि 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 पोटेशियम यूरेट। अब इस पर हम सब कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है? आ जाओ एक्सक्रेटरी सिस्टम में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है? सब कैंसर आ रहा है। सबसे पहले गहन कैंसर आएगा यूरियोकोटैलिक, मैसेजर ये करें। ओके ओके, अच्छा वो वाला बात, ठीक है। स्वीटी यूरियोकोटैलिक, गहन यूरियोकोटैलिक, सुने हैं यूरियोकोटैलिक, सबके यूरियोकोटैलिक आ गया, ठीक है? तो देखो एक्सक्रीशन सबसे मालफिजियन ट्यूब्यूल के द्वारा होता है, एंड इज द सारा जो ट्यूब्यूल होता है ना, ग्लैंडुलर ऑसिलेटेड सेल से लाइनिंग होता है। तो ग्लैंडुलर ऑसिलेटेड सेल से, तो एक हम लोग मालफिजियन ट्यूब्यूल को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले टिश्यू जो होता है ना, टिश्यू पोटेशियम यूरेट को रिलीज करता है, ठीक है? और पोटेशियम यूरेट जो होता है ना, वो पोटेशियम यूरेट आपको किस चीज में, व्हाट यू कॉल इट, अरे ग्लैंडुलर इपिथिलियम टिश्यू में पोटेशियम यूरेट जो होता है, पोटेशियम यूरेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड में बदल जाता है, ठीक है? तो पोटेशियम यूरेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम यूरिक एसिड में बदल जाता है। तो पोटेशियम, अब ये जो होता है ना ग्लैंडुलर इपिथिलियम टिश्यू से, अब ये अंदर की तरफ जाता है। किधर जाता है? अंदर की तरफ जाता है। तो अंदर वाले पार्ट में जाता है तो पोटेशियम यूरेट। अब आप लोग भी बताइए यार, कुछ कुछ आप लोग बताते रहिए यार, मैं बार बार कभी कभी मैं भी मिस कर सकता हूँ, ठीक है? पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड, ये दोनों अंदर की तरफ जाता है। तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, पोटेशियम बाइकार्बोनेट देन यूरिक, हाँ बिल्कुल 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 सही आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है? पोटेशियम बाइकार्बोनेट देन पोटेशियम यूरेट एब्सॉर्ब प्लस यूरिक एसिड, ठीक है? तो पोटेशियम यूरेट एब्सॉर्ब हो जाता है गैस क्रिएट, और यूरिक एसिड बाहर की तरफ आ जाता है। तो कुछ पार्ट सेक्रेशन होता है, कुछ पार्ट के एब्जॉर्प्शन होता है, एंड इन दोनों को मिलाकर हम लोग ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। सुपर सुपर, सुनेहा स्वीटी सब सही है, ठीक है? तो यूरिक एसिड किसके थ्रू बाहर आता है? मिडगट के थ्रू आता है कि हाइंड गट के थ्रू आता है, जल्दी बताइए। मिडगट के थ्रू, हाइंड गट के थ्रू यूरिक एसिड, यूरिक एसिड आता है किसके थ्रू बाहर? तो आता है वो हाइंड गट के थ्रू बाहर है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और सबको इसका आंसर देना है। ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्फ ऑफ द मालफिजियन ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब करते हैं सुपर, हाँ ये तो मैंने बताया ही है। किस चीज को एब्जॉर्ब करते हैं? तो पोटेशियम यूरेट को एब्जॉर्ब करते हैं, और पोटेशियम यूरेट को एब्जॉर्ब करके क्या बनाते हैं? तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड बनाते हैं। पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड मालफिजियन ट्यूब्यूल में जाता है, तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो जाता है और यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है। किसके थ्रू? हाइंड गट के थ्रू निकल जाता है, बात खत्म। तो एनसीईआरटी को देख लेते हैं, यूरियोकोटैलिक मालफिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है? और कुछ और पार्ट है जो कि मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम में कॉकरोच को हेल्प करते हैं, वो है फैट बॉडी, और उसके बाद क्या है, नेफ्रोसाइट और यूरिकोस ग्लैंड। ये एनसीईआरटी के लाइन है तो याद होना चाहिए, फैट बॉडी नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड जो कि कॉकरोच को हेल्प करते हैं, ठीक है? बात खत्म भाई साहब, हाँ जाओ। एक मिनट यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पूछो कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करना है। ग्लैंडुलर एंड सिलिएटरी सेल मालफिजियन ट्यूब्यूल एब्सॉर्ब करते हैं ना, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल मालफिजियन मालफिजियन ट्यूब्यूल एब्सॉर्ब, ग्लैंडुलर एंड सिलिएट मालफिजियन ट्यूब्यूल में ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल होते हैं, ठीक है? देखो जो मालफिजियन ट्यूब्यूल होता है ना, वहां पे ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल उसके लाइनिंग होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सुनेहा बोले हैं ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्फ ऑफ मालफिजियन ट्यूब्यूल ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, मैं समझ गया, सही बोल रहे हो आप, ठीक है? पकड़ लिए ना बात को, पकड़ लिए ना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप भी पकड़ लिए, मैं भी पकड़ लिया। अच्छा, स्वीटी बोल रहे हैं, अच्छा पोटेशियम बाइकार्बोनेट, अरे यही हो जा रहा है ना, कमेंट आप लोग का भाग रहा है। चलो बहुत मजा आ गई यार, मेन थिंग्स इज दैट ना कि आप लोग बहुत सीरियस हो, ठीक है? इसीलिए यार सब कोई एक दूसरे से चर्चा भी कर रहा है और पॉजिटिव चर्चा कर रहा है।
आपको नहीं लगता कि आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो, ठीक है? नहीं यार, कंपटीशन कभी नहीं बढ़ सकता है, चिंता मत करो, ठीक है? कंपटीशन कभी बढ़ता थोड़ी है, कंपटीशन हमेशा घटता है, देखने का नजरिया बदलो ना। एंड यार सिर्फ आरंभ है का काम सिर्फ स्टडी विथ मी पे बैठकर और ऐसे ही सिर्फ पढ़ते रहना नहीं है, हम लोग का काम ये भी है कि हमेशा एक दूसरे को चेक करते रहे और एक दूसरे का हाई भी बना कर रखे, ठीक है? क्योंकि यार देखो, पढ़ाई तो आज न कल सबको ही पढ़ ही लेगा, रिजल्ट निकलना है तो सबको ही निकाल ही लेगा। द मेन थिंग इज दैट कि हम यार एक बेहतर इंसान बन सके, और इंसान बनेंगे तो दुनिया जीत लेंगे, ठीक है? बात जहां तक रही एग्जाम का, तो एग्जाम क्रैक करना ही होगा, मेहनत सबको करना होगा, एग्जाम क्रैक करना होगा, लाइफ का एक पार्ट है ये भी, ठीक है? और नहीं भी हुई तो गलत स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि यार जो लोग भी बिलीव मतलब अलग सर ही हैं, तो कोई आईटी क्रैक किए नहीं, अमन दतिवाल भी आईटी क्रैक किया नहीं, ठीक है? और बहुत लोग हैं यार, यहाँ पे कौन है, अरे ये बंसल सर, बंसल सर ने भी आईटी क्रैक नहीं किया था, ठीक है? उनसे भी आईटी में रह गए, तो यहीं से बातें हैं यार, बहुत सारी बातें हैं। जितने भी फार्मेटिकल कंपनी है जो कि बिलियन ऑफ डॉलर में खेल रहे हैं, उनके जितने भी, और कौन पूनावाला, आधार पूनावाला आई थिंक, ठीक है? भारत बायोटेक का वो सीईओ है, ठीक है? तो पूनावाला ने भी कोई मतलब मेडिकल नहीं किया है, ठीक है? गॉट इट? तो यार इतना चिंता मत, अब इसका मतलब ये नहीं कि अब आप कहो कि मैं नीट नहीं निकालूंगा, मैं नीट नहीं निकाल, ये सब बेकार बातें हैं। कहने का सेंस पकड़ो कि चिंता नहीं करना है, सब कुछ यार, सब कुछ अवेलेबल इस दुनिया में, ठीक है? मैं इस पर चर्चा करता हूँ। चलो बॉडी टिश्यू, अब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है? देखो, बॉडी टिश्यू एक्सक्रीटरी सब्सटेंस किस फॉर्म में रिलीज करता है? यूरिक एसिड की पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में, नीट का क्वेश्चन है। जो बॉडी टिश्यू होता है वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को किस फॉर्म में रिलीज करता है? ऑप्शन यूरिक एसिड, पोटेशियम यूरेट। तो राइट आंसर इज पोटेशियम यूरेट, क्योंकि यूरिक एसिड बाहर रह जाता है, ठीक है? अब चलो, अब एक इसी भी का एक अनदर फॉर्म, हीमोलिम्फ के अंदर टिश्यू किस फॉर्म में एक्सक्रीटा को रिलीज करता है? हीमोलिम्फ के अंदर टिश्यू किस फॉर्म में एस्क्रीटा को रिलीज करता है? द राइट आंसर इज पोटेशियम यूरेट, ठीक है? नो 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 स्वीटी, नॉट यूरिक एसिड, पोटेशियम यूरेट, ठीक है? अब चलो, मालफिजियन टिब्यूल किस फॉर्म में एस्क्रीटा को एब्जॉर्ब करता है? मालफिजियन टिब्यूल किस फॉर्म में एस्क्रीटा को एब्जॉर्ब करता है? तो इसका भी आंसर है पोटेशियम यूरेट, ठीक है? हो गया खत्म। इपिथिलियम में अब चलो, एक लाइन में लिखा हूं, आप इस लाइन को लिख लो अगर चाहो तो, ठीक है? इपिथिलियम में पोटेशियम यूरेट कन्वर्ट इनटू पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड, ठीक है? इपिथिलियम में पोटेशियम यूरेट कन्वर्ट होते हैं कहाँ का, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड में, देन पोटेशियम बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो जाते हैं यूरिक एसिड एंड रिलीज कर दिया जाता है उनको, ठीक है? यार ये वही है जो हमने चर्चा किया था, मैंने इसको लिखने वाले फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है? तो चलो यार, अब यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और कॉकरोच यूरियो कोटालिक है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इट रिलीज द यूरिक एसिड मोर एक्सक्रेटरी ऑर्गेन देन द कॉकरोच है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फैट बॉडी है, ठीक है? नेफ्रोसाइट से, और एक क्या है, यूरिकोज ग्लैंड है, ठीक है? यूरिकोज ग्लैंड मेल में प्रेजेंट होता है कि फीमेल में प्रेजेंट होता है, जल्दी लिखो। मैं देख रहा हूँ सबका आंसर सही आ रहा है, स्वीटी का आंसर सही आ रहा है, ठीक है? एंड गौहन का सही आ रहा है, सबका सही आ रहा है, तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यूरोकोल ग्लैंड मेल में प्रेजेंट होता है कि फीमेल में प्रेजेंट होते हैं? यूरोकोल ग्लैंड ओनली मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो कॉकरोच में यार और सारी चीजें भी है, सिर्फ मालफेजेंट टिब्यूल नहीं है, एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए फैट बॉडी भी है, फैट बॉडी के बाद क्या है, नेफ्रोसाइट भी, और यूरोकोल ग्लैंड भी है। यूरोकोल ग्लैंड ओनली मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अब नर्वस सिस्टम भी एक बार देख लेते हैं, नर्वस सिस्टम छूट रहा है, कोई याद दिलाया नहीं यार, ऐसे मत किया करो, तुम लोग याद दिलाया करो। नर्वस सिस्टम ब्रेन और नर्व कॉर्ड में बटा हुआ है, ठीक है? ब्रेन क्या है, ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, इससे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है? ब्रेन को हम लोग सुपरा इसोफिगल गैंगलिया कहते हैं, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, मार्क कर लो, ठीक है? नर्व कॉर्ड में 9 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, नर्व कॉर्ड में 9 गैंग्लिया, 3 थॉरेक्स में प्रेजेंट होते हैं, और 3 थॉरेक्स में होते हैं, और 3 थॉरेक्स में प्रेजेंट होते हैं, और 6 एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है?
हाँ, नौ गैंगलिया प्रेजेंट होता है, तीन थॉरेक्स में और छह एब्डोमेन में, ठीक है। नर्व कॉर्ड नर्व कॉर्ड, अब चलो हम लोग रिलेट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे रिलेट करते हैं। नर्व कॉर्ड हम लोग देख लेते हैं कि एक वर्टिब्रेट और एक इनवर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट का जो नर्व कॉर्ड होता है वो वेंट्रल होता है, ठीक है, डबल होता है और सॉलिड होता है। और वर्टिब्रेट जो हम लोग का होता है वो डोर्सल होता है, ठीक है, सिंगल होता है और हॉलो होता है, ठीक है। तो अर्थवर्म में इनवर्टिब्रेट है, तो जाहिर बात है इनका भी नर्व कॉर्ड जो होगा वो वेंट्रल होगा। वेंट्रल के बाद आपको डबल होगा, ठीक है, और डबल के बाद क्या होगा, सॉलिड होगा, और हमारे में हॉलो हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा और वेंट्रल हो जाएगा और डोर्सल हो जाएगा, ठीक है, गॉट इट। एंड गाइस, इफ यू आर न्यू ऑन दी चैनल, सो प्लीज गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सी दी टाइम टेबल, हम सब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही मूव करेंगे और लाइव स्ट्रीम अपने टाइम पे चलेगा। और ये रिवीजन सीरीज जब भी होगा तब अपडेट कर दिया जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। तो सारे इनवर्टिब्रेट में नर्व कॉर्ड वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं और सारे वर्टिब्रेट में नर्व कॉर्ड डॉर्सली प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यार रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आखिरी टॉपिक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, थोड़ा टाइम बचाना है तो मैं एनसीईआरटी का एक देख लेता हूँ, खोल लेता हूँ, ठीक है, देख लेता हूँ यार, थोड़ा एक आउटलाइन ले लेता हूँ कि कितना है एनसीईआरटी में। पूरा हम लोग 1 घंटा चर्चा कर ली यार, एक एक टॉपिक को किए यार, थोड़ा बाहर भी गए यार। एनसीईआरटी में तो बहुत बहुत सही लिखा यार। चलो आ जाओ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ठीक है। पटानी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे आपकी मैसेज याद है, आप यहीं पे रहना, मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब कोई फटाफट से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाओ भैया, मुझे ये दीजिए हाथ में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, दो भागों में बटा हुआ है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग को सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, टेस्टिस। टेस्टिस कितना पेयर होता है जल्दी बताओ, वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर, फोर पेयर, जल्दी मैं पूछते चलूंगा ताकि चेक होता रहे याद है कि नहीं याद है। या मैसेंजर हियर, यानी सुने हैं, सुपरा इसोफिकल गैंग्लिया, नर्व सप्लाइज, कंपाउंड आई एंड एंटीना। चलो सुपर, लेकिन ये क्वेश्चन आ भी सकता है, चलो ठीक है यार, नहीं आएगा ये हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है। जल्दी बताओ कितना पेयर होता है, वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर, फोर पेयर? टेस्टिस वन पेयर होता है, ठीक है। ये दो कौन लिख रहा है, गहन दो नहीं होता है, एक पेयर होता है, ठीक है। स्वीटी का आंसर सही है, एक पेयर। सुनेहा का भी सही है, एक पेयर, ठीक है, दो नहीं लिखना है, गहन सही करो, वन पेयर लिखो फटाफट से, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ सिगमेंट बताओ कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ सिगमेंट बताओ कितना होता है, तीन से चार लोब हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सिगमेंट बताओ कितना होता है। आई थिंक चार पांच छह, यानी तीन सिगमेंट होता है, ठीक है, चार पांच छह तीन सिगमेंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं हम लोग मेल पे ही चर्चा कर लेते हैं पहले, ठीक है। मेल में कोई ग्लैंड भी पाया जाता है, डेट इज सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस। सब हम लोग सीक्वेंस में चर्चा कर रहे हैं, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये सीक्वेंस में ही कर रहे हैं, इस चीज को याद रखना तुम लोग, ठीक है। तो देखो, अब स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होकर होता है, ठीक है। स्पर्म इंटर करता है थ्रू, स्पर्म इंटर करता है, नॉट थ्रू, स्पर्म इंटर करता है मशरूम ग्लैंड में। अब मशरूम ग्लैंड किस चीज से बनता है ये बताओ आप लोग फटाफट से, सिक्स मशरूम ग्लैंड, ठीक है, चलो सही है, आप तीन इधर का बता रहे हो तो छह सही है। मशरूम ग्लैंड बताओ किस चीज से बनता है जल्दी, लॉन्ग ट्यूब्यूल से बनता है, स्मॉल ट्यूब्यूल से बनता है और सेमिनल वेसाइकल से बनता है। लॉन्ग ट्यूब्यूल इनर लेयर से रिलीज होता है, स्मॉल ट्यूब्यूल स्टोरेज करता है किस चीज को, किस चीज को, न्यूट्रिशन को स्टोरेज करता है। और सेमिनल वेसाइकल बताइए फटाफट से, स्पर्म में तो फोर को सेक्रेट करता है, ठीक है, आई थिंक सबको याद है, सबको याद है। मशरूम ग्लैंड का सीगमेंट भी आप लोग बताइएगा, क्या पूछने से पहले आंसर आ गया, स्वीटी का आंसर आ गया, गोहन का आंसर आ गया, ठीक है, सिक्स सेवेंथ सेगमेंट, सिक्स सेगमेंट, सुपर सुपर यार, ठीक है। अब मशरूम ग्लैंड हो गया, ठीक है,
और एक बहुत प्यारी सी घटना भी होती है, ठीक है। इस प्यारी सी घटना कब होती है? कॉपुलेशन के टाइम में होती है, ठीक है। तो ऑन द टाइम ऑफ कॉपुलेशन जो मेल कॉकरोच होता है वो एक लेयर बनाता है, ठीक है, एक लेयर बनाता है, दैट इज स्पर्मेटोफोर को एग्जीक्यूटरी डक्ट के थ्रू बाहर निकालता है, एक लेयर बनाता है पैकेट के फॉर्म में, और उसके थ्रू स्पर्म व्हाट यू कॉल इट स्पर्मेटोफोर को वो बाहर निकालता है, ठीक है। एग्जीक्यूटरी डक्ट फ्रॉम वन मोर लेयर, दैट इज द मिडिल लेयर, ठीक है। यार मैंने इसको अपने मैंने लिखा है, इसको मैं बोल देता हूँ, आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग नोट करो, ठीक है। ऑन द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, मुझे एक बार नोट निकालने, तो नोट में मैंने कहाँ लिखा है, एक मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख लेता हूँ जो आपसे चर्चा करूं, और दूसरा मेरा नोट में रहता है अच्छे से, उसको खोलने दो पेज को आप। ये मैंने पॉइंट लिखा था, उस पॉइंट से मुझे पूरा लाइन याद नहीं आया, ठीक है। या हाँ, पैकेट फ्रॉम स्पर्मेटोफोर कौन कैंसर आ ही क्या, लेयर फ्रॉम होना, ओह दैट्स ग्रेट सुपर आउटर पे आ ही गया, सब सबको तो याद ही है। तो मैंने इसको कैसे लिखा है, अच्छा, ऑन द टाइम ऑफ कॉपुलेशन दिस ऑन द टाइम ऑफ कॉपुलेशन दिस मेल कॉकरोच एक लेयर वाले पैकेट को स्पर्मेटोफोर को एजेक्युलेटरी डक्ट के थ्रू बाहर निकालते हैं। एजेक्युलेटरी डक्ट फ्रॉम द वन मोर लेयर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा, एजेक्युलेटरी डक्ट फॉर्म, एजेक्युलेटरी डक्ट एक वन मोर लेयर फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग मिडिल लेयर कहते हैं। अच्छा, मैंने ये लिखा है, चलो तुम लोग का आंसर आ ही चुका है, ठीक है, बात खत्म करो यहीं पे। अब हम लोग देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोग बताइए फटाफट से। हाँ ठीक है, गौहन सही है आपका, आप सही बता रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेगमेंट बताइए, ठीक है। तो दो तीन चार पांच छह सेगमेंट होते हैं, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक पेयर होता है, ठीक है। अब ओवरियोल्स कितना परसेंट होता है, तो 8 ओवरियोल्स परसेंट होता है, ठीक है। 16 ओवरीज परसेंट होते हैं, तो 8 ओवरियोल इधर और 8 ओवरियोल इधर दोनों मिलाकर 16 ओवरीज परसेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो 16 ओवरीज परसेंट है और ओवरियोल परसेंट है, तो 16 ओवा भी निकलेंगे, ये भी सही है, ठीक है। तो कॉमन ओविडक्ट को कुछ कहते हैं, और कॉमन ओविडक्ट को क्या कहते हैं जल्दी बताइए, ठीक है। सबका आंसर सही आ रहा है, 2 ओवरी 8 ओवरी आए है, सबका सही है, ठीक है। हाँ, 2 ओवरी 8 ओवरी मतलब एक इधर, सही सही है यार, 16 है, ठीक है, 16 ओभा, वही एक बोली या फिर ओभा बोलिए, सही है सही है सही है, सबका सही है, ठीक है। तो कॉमन ओविडक्ट को हम लोग वेजाइना भी कहते हैं, चलो स्वीटी का आंसर सबसे पहले है, तो कॉमन ओविडक्ट को हम लोग वेजाइना भी कहते हैं, ठीक है। गौन का भी आंसर आ गया, ठीक है, चलो 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 सुपर। अब ये बताओ, वेजाइना का थी कॉमन ओविडक्ट, ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ओपनिंग ऑफ वेजाइना को हम लोग क्या कहते हैं? ओपनिंग ऑफ वेजाइना फीमेल गोनोफोर, ठीक है। हाँ, ओपनिंग ऑफ वेजाइना को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, और वो कहाँ जाके खुलता है? ओपनिंग ऑफ वजाइना को फीमेल गोनोफोर कहते हैं, ओपनिंग जेनाइटल चैम्बर, ठीक है, बात खत्म करो, ठीक है। फिर कोलेटरल ग्लैंड भी कुछ होते हैं, तो कोलेटरल ग्लैंड किस चीज को रिलीज करते हैं? इंडिग्नोरेंस गोनोफोर ऑफ वजाइनल ओपनिंग, यस ठीक है, स्वीट इज सुपर। कोलेटरल ग्लैंड किस चीज को रिलीज करते हैं? कोलेटरल ग्लैंड उथिका को रिलीज करते हैं, ठीक है, 9 to 10 उथिका, ठीक है, 3 से 8 मिलीमीटर लॉन्ग, ठीक है, सुपर। चलो खत्म करो खत्म करो खत्म करो, ठीक है, चलो सही है। अब डेवलपमेंट पर चर्चा करो, फटाफट डेवलपमेंट पर चर्चा करो, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या, इनकम्प्लीट या कंप्लीट? तो डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच इनकम्प्लीट, इसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट को हम लोग और भी कुछ कहते हैं, पैरोमेटाबॉलस कहते हैं। आई थिंक मेरा प्रोनाउंसिएशन ये थोड़ा गलत हो सकता है, बट आप लोग इसको दिल से नहीं दिमाग से लीजिएगा, ठीक है। तो पैरोमेटाबॉलस हम लोग कहते हैं, ठीक है, PAUR-O-मेटाबॉलस। अच्छा, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन सही भी हो सकता है यार, इतना भी कमजोर नहीं है।
प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। 13 टाइम वॉल्टिंग। वाह स्वीटी, आपने तो यार नहले पे तहला लगा दिया। सही है, 1 साल में 13 बार मॉल्टिंग होता है, ये एकदम सही है आपका। और मॉल्टिंग हो के वो इमेगो में बनता है। इमेगो क्या होता है? एडल्ट होता है, ठीक है। जब वो बचपन में नुन्नू सा बच्चा होता है, नुन्नू 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 नुन्नू, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं, ठीक है। इमराय फॉर्म में उसको, नुन्नू सा बच्चा को क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं। 1 साल में 13 बार मॉल्टिंग होकर वो क्या बन जाता है? अब वो बड़ा बन जाता है, एडल्ट बन जाता है। अब वो इधर उधर मारते फिरता है, ठीक है। तो जब इधर उधर मारते फिरता है तो उसको क्या बोलते हैं? इमेगो, ठीक है, याद रहेगा ना सबको, ठीक है। तो अब नुन्नु सा बाबू में क्या अब्सेंट होता है? नुन्नु सा बाबू में देखो क्या नहीं, गोनाड्स और विंग्स अब्सेंट होता है। तो प्रेजेंट क्या होता है? विंग पैड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, और गोनाड्स और विंग्स, ठीक है, एडल्ट में प्रेजेंट होता है। इस चीज को याद रखो। इसी के साथ हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कॉकरोच को खत्म किया। एक एक चीज को डिस्कस किया यार, लंबा चर्चा गया, लेकिन अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। जो हम लोग चर्चा में आज ले, और पता है ये चर्चा याद रह जाएगा, ये सब याद रह जाएगा, ये भूलने वाला कोई नहीं है। मजा आया, मतलब नुन्नू मुन्नू बाबू से अब वो एक जवान इंसान, अब एक जवान बाबू बन जा रहा है। अब जवान जब हो गया, एडल्ट हो गया, तो इधर उधर मारते फिरेगा यार, हाथ पांव कुछ भी, ठीक है। इवन यार देखो ना, कॉकरोच की प्रजाति क्या है? मारते फिरता है, खुद को ही खा लेता है, ठीक है। तो चलो अब इस आगे चलते हैं, मजा आया होगा। आई होप दैट कि सबको मजा आया होगा, और मुझे भी मजा आ रहा है इस बाल हटवाकर। तो देखो ना, कहाँ कुछ हम लोग ज्यादा पढ़े, ठीक है, हम लोग कहाँ कुछ ज्यादा पढ़े यार, ठीक है। एनिमल टिश्यू में हम लोग क्या देखे? एनिमल टिश्यू में हम लोग इपिथेलियल, हम लोग एनिमल टिश्यू में क्या देखे? 4 भाग में एनिमल टिश्यू बना, ठीक है। इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू में, इपिथेलियल टिश्यू को सिंपल इपिथेलियम टिश्यू में बटा, ठीक है। सिंपल इपिथेलियम में स्क्वामस इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, कॉलोनार इपिथेलियम, ठीक है। फिर उसका मॉडिफिकेशन हुआ, सिलिएट मॉडिफिकेशन हुआ, कॉलोनार और क्यूबॉइडल का किस हिस्से में? सिलिएटेड इपिथेलियम में और ग्लैंडुलर इपिथेलियम में हुआ, ठीक है। उसके बाद उनको कंपाउंड इपिथेलियम, कंपाउंड इपिथेलियम मेनली मल्टीलेयर होते हैं, प्रोटेक्शन में काम करते हैं, सेक्रेशन ऑब्जर्वेशन में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद तुमको सेल जंक्शन को हम लोग पढ़े, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू को देखा, कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट को पढ़े हम लोग, ठीक है, देखे कि मतलब और कनेक्टिव टिश्यू सारे ब्लड ब्लड को टेल कर, ब्लड को छोड़ सारे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इस सब हम लोग देखे। फिर उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू देखा, लूज कनेक्टिव टिश्यू हम लोगों ने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को देखा, ठीक है। फिर हम लोगों ने एडिपोज टिश्यू को देखा, एडिपोज टिश्यू में एडिपोज साइड जो कि स्टोर करता है किसी को, फैट को करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने भी क्या देखा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ठीक है। फिर डेंस कनेक्टिव मतलब लूज कनेक्टिव डेंस देखे, डेंस में क्या था? डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर देखे, ठीक है। डेंस रेगुलर एक पैटर्न को फॉलो करता है, डेंस इरेगुलर तुमको पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डेंस रेगुलर में ही देखा था टेंडन और लिगामेंट को देखा था। टेंडन क्या था? टच मसल टू बोन, एंड लिगामेंट क्या था? तुमको बोन टू बोन, ठीक है, सही है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, थोड़ा तेजी में जा रहे हैं, छूट जाए तो बता देना, ठीक है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, कार्टिलेज बोन, ठीक है, ये सब था, और ब्लड भी था, ठीक है। तो कार्टिलेज को भी हम लोगों ने देखा था, बोन को भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। बोन में क्या था? कैल्शियम उल्शियम का हम लोग बात किए थे। उसके बाद हम लोगों ने कोलेजन फाइबर का भी बात किया था, ऑस्टियोसाइट का भी बात किया था, बोन सेल का। फिर हम लोग लैक्यूने का भी बात किया था, ठीक है। लैक्यूने जो स्पेस जो होता है ना, उसको लैक्यूने हम लोग कहते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है? प्रोवाइड करता है, मतलब ताकत को प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किस चीज को प्रोवाइड करता है? टिश्यू और ऑर्गन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। लिम्ब बोन वेट बियरिंग फंक्शन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद लोकोमोशन और मूवमेंट में भी करता है, ठीक है। फिर ब्लड क्या था? ब्लड प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यू ब्लू सी, ये सब, ठीक है, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हेल्प इन द सर्कुलेशन द वेरियस सब्सटेंस, ठीक है। इसके बाद हमने मसल टिश्यू को देखा था, मसल टिश्यू में स्केलेटन, स्मूथ और कार्डिया को देखा था, ठीक है। यहीं पे कार्डिया क्या था? इनवॉलेंटरी था। स्मूथ क्या था हम लोग का? स्मूथ क्या था? इनवॉलेंटरी था कि वॉलेंटरी था यार, ये बताओ। अच्छा, हाइबरसन कैनाल, ओहो आप सब बता रहे। ये क्या था? ये मतलब स्मूथ क्या था? वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री? स्मूथ इनवॉलेंट्री था, ठीक है। फूजी फॉर्म, ठीक है। एस्केलेटर क्या था? वॉलेंट्री था, ठीक है, चलो ठीक है। एस्केलेटर का एग्जाम्पल क्या हो गया? बाइसेप्स हो गया, ये हो गया हमारा बाइसेप्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखो ना, उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या देखा था? उसके बाद हम लोगों ने कार्डियक मसल को देखा था। तो कार्डियक मसल क्या था? इनवॉलेंट्री था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इंटरकैलिएटेड भी था, ठीक है, इंटरकैलिएटेड। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग न्यूरल टिश्यू को भी देखा था। न्यूरल टिश्यू में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे विचार था कि फिर न्यूरॉन कैसे ट्रेवल था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। न्यूरल टिश्यू में
चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम कैसे कैसे बने, तो सेल से बना, टिश्यू टिश्यू से बना, ऑर्गेन ऑर्गेन से बना, ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। अब ये सब हम लोग देख लिए थे, उसके बाद हम लोग आ गए थे कहाँ पे, कॉकरोच पे आ गए थे। यहीं पे हम लोग का टिश्यू समाप्त हो गया था न्यूरल के बाद, और न्यूरल में क्या था, न्यूरल न्यूरॉन से बना था, ठीक है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पार्ट है, न्यूरॉन इज एक्सटेटेबल सेल एंड वो इंपल्स को कैरी करता है, ठीक है। न्यूरोग्लिया सेल भी होता है, न्यूरोग्लिया सेल मेकअप मोर देन द हाफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू, ठीक है, बट वो सपोर्ट में काम करता है। उसके बाद हम लोग कॉकरोच पे आ गए थे, तो कॉकरोच पे हम लोग आ गए थे, तो कॉकरोच में हम लोगों ने कॉकरोच का पहले मार्फोलॉजी पढ़ा, देन हम लोगों ने एनाटॉमी पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कॉकरोच का साइज क्या होता है, तो कॉकरोच का साइज हम लोगों ने देखा कि 1/4 से लेकर 3 इंच तक होता है, ठीक है, 1/4 का। उसके बाद हम लोग इसको एक फॉर्म 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। स्वीटी ने 7.4 बताया था, ठीक है, नहीं स्वीटी ने नहीं, मैसेंजर हियर ने 7.4 बताया था, अब जिसने भी बताया था, ठीक है, लेकिन सही है, ठीक है, याद रहेगा बात। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मार्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच में अमेरिकाना पेरिप्लेनेटा, 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग, चलो ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि अमेरिकाना पेरिप्लांट काइटेनियस एस्केलेटन देखा था, ठीक है, डोर्सल वेंट्रल ये सब सब कुछ देखे थे, ठीक है, ये ठीक है, सब लोग देख लिए थे वो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए थे हेड वाले रीजन पे, हेड थॉरिक्स एंड मतलब मार्फोलॉजी में हेड थॉरिक्स और एब्डोमेन पे, ठीक है। हेड वाले रीजन में हेड वाले हेड क्या होता है, ट्रेंगुलर हेड होता है, ठीक है, फॉर्म बाय द 6 फ्यूज्ड सेगमेंट से फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि यार मतलब बहुत सारी चीज को मदद करती है, ठीक है। हेड में से एंटीना निकलते हैं, ठीक है, कंपाउंड आई भी होते हैं, कंपाउंड आई ओमनीटेडिया 2000 सेगमेंट, ठीक है, मॉजिक विजन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। फिर हम लोग थोरेक्स में आ गए थे, थोरेक्स में 3 पार्ट में, प्रोथायरेक्स, मीजोथायरेक्स, मेटाथोरेक्स, मीजोथायरेक्स और मेटाथोरेक्स। मीजोथायरेक्स में इलिट्रा होते हैं, ठीक है, और इलिट्रा बोल लीजिए या फिर हैंड इलिट्रा बोल लीजिए या फिर क्या बोल दीजिए, हैंडविक्स बोल लीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेटाथोरिक्स पे, तो मेटाथोरिक्स पे हैंडविंग्स हो गया आपको, ठीक है, जो कि मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं, थिन होते हैं। एंड मीजोथोरिक्स पे हमारा फोर विंग्स हो गया, टेगमीना बोलिए फिर इलिट्रा बोलिए, ठीक है, हो गया, समझ गया ना, फोर विंग्स पे टेगमीना बोलिए या फिर इलेट्रा बोलिए या फिर मीजोथायरिंक्स बोलिए, सब कुछ सही है, ठीक है। हैंड विंग आपका पतला हो गया, मेटाथोरिक्स हो गया, ठीक है। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट में था, ठीक है, 7, 8 और 9, सातवां सेगमेंट बोट सेप था, ठीक है, और सातवां सेगमेंट बोट सेप था लेकिन फीमेल में था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और इट कंटेन द फीमेल गोनोफोर एस्परमेटिकल फोर एंड द कोलेटरल ग्लैंड, ठीक है। इन मेल्स द जेनिटल पाउच लाइज एट द हाइंड एंड्स ऑफ द एब्डोमेन डोर्सली 9th एंड 10th टर्गा वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम, ठीक है। इन बोथ सेंस 10th सेगमेंट बियर्स अपीयर ऑफ द जॉइंटेड एनल सर्काई, मेल्स बियर अपीयर ऑफ द शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, ठीक है यार, अब ज्यादा मत बोलो आप मेरे से। और मेल फीमेल का आप देख लेते हैं, तो मेल का क्या होता है ना कि मेल का एब्डोमेन लार्ज होता है, फीमेल का स्मॉल होता है। मेल में क्या होता है, टिप ऑफ एब्डोमेन से जो होता है ना, अरे जो विंग जो होता है ना एक्सटेंड करता है ना टिप ऑफ एब्डोमेन से करता है। फीमेल में विंग जो होता है ना टिप ऑफ एब्डोमेन से एक्सटेंड नहीं करता है, ठीक है। नैरो एब्डोमेन होता है मेल का, फीमेल का थोड़ा सा वाइड होता है यानी ब्रॉड होता है, ठीक है। एंड एनल स्टाइल मेल में प्रेजेंट होता है और इसमें नहीं होता है, एनल स्टाइल फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कर रहे हैं कि कौन इसमें प्रेजेंट नहीं, बट एनल सर्काई दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्रॉड पाउच एब्सेंट होता है मेल में और फीमेल में ब्रॉड पाउच प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एनाटॉमी में हम लोगों ने क्या देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था, एक्सक्रेटरी देखा था, नर्वस देखा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था। फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग मेल देखे थे, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे थे जो हम लोग अभी चर्चा किए। उसके बाद हम लोगों ने डेवलपमेंट देखा था कॉकरोच का, ठीक है। डेवलपमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे एक नुन्नु मुन्नु नन्हा मुन्ना सा कॉकरोच कैसे एक जवान कॉकरोच बन जा रहा है, ठीक है। तो वो कितना 13 मॉल्टिंग ले रहा है पूरे एक साल में ले रहा है, जवान कॉकरोच बन जा रहा है। विंग पैंट प्रेजेंट है, नुनु मुनु निम्फ में विंग पैंट प्रेजेंट है, इमेगो में इमेगो में क्या प्रेजेंट है, अरे इमेगो में गोनाड्स और विंग्स अब्सेंट है नुनु मुनु निम्फ में, और इमेगो में गोनाड्स और विंग प्रेजेंट है, चलो ठीक है। तो जय श्री कृष्ण टू यू ऑल गाइस, कंप्लीट हुआ यहीं पे, और जिनका भी जो चर्चा था वो चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब कंप्लीट फुल पैकेज, एंड मैं होप करता हूँ कब से हम स्वीटी मैसेंजर हियर गोहन और कौन कौन है, ठीक है, सबको यार अपना अपना नाम बताओ, ठीक है। मुझे ये लोग लगातार है तो मेरा नाम इन लोगों का याद है, ये लोगों ने मतलब मेरे साथ साथ खुद बोला होगा, खुद बकबकाया होगा इन लोगों ने भी, ठीक है, मुझे पता है, मतलब अपने अपने तरीके से बकबकाए होंगे, जो कि अच्छा है यार, बकबकाना, बकैती करना।
मुन्नू कॉकरोच जी भाई, आई एम हियर वन। ओ माय गॉड, हर्ष पटानी, अब मैं तुमसे बात करता हूँ प्रो। ठीक है, अब बताओ यार अपने क्वेश्चन को, तुम बोलो। ठीक है, जो भी तुमसे है मैं बात करता हूँ। अब तक तुम यहाँ हो, ये सेशन करते हैं अब 3 बजे तक। यार गोहन, मुझे मॉर्निंग में उठना है यार। ठीक है, अगर मैं 3 बजे तक करवाऊंगा तो यार कहीं मान लो कि ठंड वैसे ही पड़ने वाली है। अब मैं 9-10 बजे उठा तो 11 बजे से सेशन होगा। ऐसे यार 9 बजे तक तो कम से कम हो ही जाएगा। अभी मैं 1-1.5 बजे तक सो जाऊंगा मान कर चलो, तो 7-8 बजे तक तो मैं उठूंगा ना। चलो थोड़ा बात कर लेते हैं तुम लोगों से 10 मिनट, और उसके बाद हम लोग इंड करते हैं। हर्ष पटानी, कॉन्स्टिट्यूएंट 10 आवर कैसे पढ़े बिना बोर हुए? मतलब आप जब लो फील करते हैं, देखो जब हम में से सबको ही जब लो फील करता है ना, ठीक है, तो कुछ ना कुछ अपना एक एक्टिविटी तैयार करो, जैसे कि गाना सुनना, ठीक है, म्यूजिक सुनना, ठीक है, तुम्हें म्यूजिक पसंद होगी, या फिर थोड़ा सा कुछ नॉर्मल गेम, ठीक है, और अगर कुछ पसंद नहीं है ना तो कस के रूम में चिल्लाओ, एकदम अकेला रूम में चिल्लाओ एकदम कस के, ठीक है, एकदम एकदम हल्का फील करोगे। तो यार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, एंड द मेन थिंग इज दैट कि टुकड़े टुकड़े में बांट कर पढ़ाई करना है, छोटे छोटे फॉर्मेट में पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई होगा। गॉट इट? तो हर्ष यार अच्छे से पढ़ाई करो, और कल से आओ मॉर्निंग में, टाइम टेबल देख लो थोड़ा सा, अभी ठंड का टाइम है तो 7 बजे से हम लोग का सेशन है, तो यार 8-9 या फिर 10, अब आज देखो ना 9-9 बजे तक तो स्टार्ट हो ही जाएगा, तो आप और सब कोई साथ में अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और टेंशन मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगा तो एक दूसरे को हेल्प करना हम सबका काम है। ठीक है, हम सबको यार एक दूसरे को हाई रखने का काम करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम टेबल भी देख लेना, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लो। क्या करो तुम, पोमोडोरो टाइप से पढ़ाई करो। जब हम लोग का 2 घंटे का सेशन होता है ना, मैं भी क्या करता हूँ कि कभी कभी 75 मिनट में जब माइंड स्टॉक हो जाता है तो मैं 5 मिनट के लिए गाना सुन लेता हूँ, या फिर मैं उठ जाता हूँ टहल के आ जाता हूँ। ठीक है, तो 120, कोई जरूरी नहीं कि 120 मिनट लगातार ही आप पढ़ो, 70 मिनट में आपका माइंड अगर स्टक कर जा रहा है तो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के गाना सुन सकते हो, गाना सुन लो और माइंड को भटकाओ। यानी एक तरह से भटकाना भी एक अच्छा तरीका है कंसंट्रेशन का, लेकिन भटकाने का मतलब ये नहीं होता है कि अब 5 मिनट का गाना सुनने गए और अब 1 घंटा सुन लिए। ठीक है, तो ये सब चीजों से बचना है यार। ऋतिक बोल रहा है, गौहन बोल रहा है कि मैं रिवाइज कर लेता हूँ। या गौहन बिल्कुल रिवाइज करो यार, तुम 3 बजे तक तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं एक प्लान बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे कुछ कल ज्यादा काम करना है। ठीक है, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि थोड़ा टाइम पे मैं उठ उठ जाता ना तो सही रहता। चलिए श्रुति और सुनेहा, आप सब लोग चलिए सोने चलिए। ठीक है, आप सब लोगों ने अच्छा अच्छा पढ़ाई किया, अच्छे से हार्डवर्क किया। मेरा एक्सपीरियंस पूछा, मेरा ठीक था यार, एक्सपीरियंस ठीक था। ठीक था एक्सपीरियंस, जब बायो सॉल्व कर रहा था ना, और क्या कहते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स सॉल्व कर रहा था तो लग रहा था ओ सिलेक्शन हो जाएगा यार, ये बन गया तो हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री भी फंसा दिया और थोड़ा सा बायो, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। वायलेट लाइट नहीं चली, ठीक कृष्ण। पटानी जी, आपका और भी कोई सवाल है, और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल लेट्स एंजॉय ऑफ योर वायलेट लाइट। हेलो ईशान, थैंक यू फॉर, सो जैसे आई एम न्यू हियर, हाँ
हाउ स्टडी विथ मी वर्क्स, सबको यार ग्रुप स्टडी में होता है ठीक है, तो पता नहीं लाइट क्यों टकरा रहा है आपस में। मैसेंजर है, एंड इफ यू आर द न्यू ऑन द चैनल गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइम टेबल देख लेना ठीक है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हम लोग मूव करेंगे ठीक है। तो थोड़ा ठंड का टाइम है तो लेट हो सकता है। एंड कहाँ गया अपना हर्ष पटानी, तो हर्ष तुम आओ कल से ठीक है, मॉर्निंग में ज्वाइन करो सेशन को, सबको साथ में पढ़ाई करते हैं, तो सेशन लगा कर बैठ जाना और एक दूसरे के बाद बस एक दूसरे से मोटिवेशन लेना है कि यार सब पढ़ाई कर रहे हैं मुझे भी पढ़ना है ठीक है, और ऐसे ही बस करते रहना है ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या और कैसे होता है, टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज का यार, हम सबको ही है यहाँ पर एक दूसरे के हेल्प करने के लिए ठीक है। और कभी भी गलत स्टेप किसी को भी नहीं लेना यार, गलत स्टेप बहुत बेकार स्टेप होता है पता है आपको। एक बार मतलब एक लड़की जो है ना सुसाइड करने जा रही थी ठीक है, तो मरते मरते बेचारी बचकर आई थी, तो आप लोग को ये कहानी सुनना है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था। एक ये कहानी मैं सुना देता हूँ ठीक है आप लोग को, लड़की का मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, कहाँ से थी मैं ये भी नहीं बताऊंगा ठीक है, बट वो बेचारी मरते मरते वापस आ गई। क्या हुआ ना कि क्या होता है ना कि जब आप कभी भी मतलब सुसाइड करने वक्त जब हम इसको लगाते हैं ना, तो जब टूटने की बारी आती है ना, तो इंसान चाहता है कि यार मैं बच जाऊं मैं नहीं मरूं ठीक है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पाता है वो मर जाता है। लेकिन वो लड़की बच गई इसलिए ना क्योंकि एट दैट टाइम किसी ने दरवाजा तोड़कर उसका हटाया, तो यार उसके बाद वो जीवन में कभी सुसाइड नहीं करेगी, क्योंकि वो बता रही थी कि सुसाइड करने में कितना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो ये तो ख्याल कभी माइंड में लाना भी नहीं है, बहुत बेकार चीज है ठीक है। एक तो पर्सनल भी दर्द होता है, चाह कर भी आप नहीं बच पाओगे। जब कोई छलांग लगा देता है पानी में तो आपको पता है उसकी स्थिति क्या होता है 10 मिनट के लिए, बहुत बेकार होता है। तो कभी भी गलत स्टेप किसी को नहीं लेना है, हमेशा हाई रहना है, जोश में रहना है, जहां भी जोश का कमी है तो पूरा यार आरंभ है टीम को याद करना है, होल आरंभ है टीम इज हियर फॉर यू ऑल गाइस, यू ऑल पीपल, वी ऑल आर हियर टू कीप एच एंड एवरीवन हाई हाई एंड हाई ठीक है। तो मजा लेते रहना है और अच्छे से, और मुझे पता है जितने भी आरंभ है कि परमानेंट मेंबर है, परमानेंट टीम है, जैसे कि स्विटी गोहन मैसेंजर ही है, ईशान ठीक है, एंड और कौन कौन है, और कौन कौन है जो परमानेंटली है, पलक ठीक है, एंड बहुत है सब है ठीक है। तो यार इतने इतने का तो नाम मुझे याद हो गया है ठीक है, ये फिलहाल परमानेंट है। और आपको पता है वैभव थे, दक्ष थे, ये सब मतलब अंकित मेरा भाई ठीक है, ये सब लोग का सिलेक्शन हुआ है यार, सबने खुद सिलेक्शन लेकर अपने अपने कॉलेज भी गए हैं, सब हाई है यार, टेंशन क्या है यार, जीवन है यार। और पता है एक हम लोग के बीच एक ऐसा लड़का भी है जो एंटरप्रेन्योरशिप में जा चुका है ठीक है, वो आया था आईआईटी की तैयारी करने उससे नहीं हुआ, एक मेडिकल की तैयारी करने आया था उससे नहीं हुआ, जो मेडिकल की तैयारी करने आया था जिसका नहीं हुआ, आज पता है अभी वो 2 लाख रुपए मंथ का अर्निंग कर रहा है, अगर वो कॉलेज में होता तो उतना नहीं कर पाता। ये भी तो हो सकता है कि वो बिलियनर बन जाए, मतलब 5 साल में जब तक कोई एमबीबीएस करे तब तक वो बिलियनर भी तो बन सकता है, 2 लाख रुपए का मंथ अर्न कर रहा है ठीक है, अच्छे से दुनिया को गुमराह करना सीख गया, मतलब गुमराह इन द सेंस ऑफ कि दुनिया को उसने पढ़ाई कर लिया कि दुनिया कैसे रन कर रही है, अपने बातों से वो किसी को भी यार मार्केटिंग कर जाता है ठीक है। वो मेरा पर्सनल दोस्त है यार, मेरा दोस्त है, तैयारी करने आया था, एक बार में देखा कि चल छोड़, उसके अच्छे मार्क्स आए थे यार, 452 आए थे, फिर उसने कहा कि भाई यहाँ पे वो किक नहीं मिलेगा, तो हर आदमी का अपना थॉट होता है, अपना उस तरीके से निकल गया ठीक है, और अच्छा अर्निंग कर रहा है मार्केटिंग के फील्ड में, अच्छा कर रहा है, तो यार बस मजे लेते रहना है, नथिंग एल्स। हाँ निधि भी है रेगुलर ठीक है, या निधि भी रेगुलर है, सबको रेगुलर। एंड गाइस इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल सो प्लीज गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सी द टाइम टेबल, हम सब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और अमेजिंग फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग बताओ मैं करूँ क्या।
अच्छा आप लोग अपने बात में लगे हो, ठीक है बात करो, ठीक है मैं एक फैक्ट शेयर करूंगा आप लोगों के साथ की रहने तुम ये बताओ। फैक्ट ये है कि हम लोग का जो न्यू ईयर होता है, ठीक है हम लोग का जो न्यू ईयर होता है क्या नया साल, ठीक है वो कब होता है, वो नवरात्रि चैत्र नवरात्रि के फर्स्ट डे, ठीक है जिसको हम लोग प्रतिपदा एवं गुड़ी पड़वा के नाम से भी जानते हैं, और विक्रम संवत हमारे कैलेंडर के हिसाब से प्रत्येक वर्ष विक्रम संवत के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। ठीक है तो हम लोग का नवरात्रि कब है, चैत्र सॉरी हम लोग का न्यू ईयर चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन, एंड ये साइंटिफिक तरीके से है गाइस, जो भी हमारी सभ्यता में चीजें हैं वो ऑल फ्रॉम द साइंटिफिक कैलेंडर। तो यार 22 मार्च को इस साल है, ठीक 22 अप्रैल नहीं 22 मार्च को होना चाहिए, ठीक है 22 अप्रैल, 2 अप्रैल, 2 अप्रैल इस साल 2 अप्रैल को आ रहा है, ठीक है 2 अप्रैल नहीं 2 अप्रैल को पिछले साल था ना, 2023 में कब है, यही तो यार खूबी है हम लोग का कि मतलब हम लोग का कोई ये क्या होता है तिथि के हिसाब से होता है, और रियल आप लोग कहो तो न्यू ईयर यही है। और आपको पता है मतलब ये जो आप देखते हो ना कि 31st 31 तारीख किसी महीने में 30 तारीख, ठीक है ये सारे मतलब जो जो राजा बीच में जो जो मतलब वेस्टर्न वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर ने अपने हिसाब से मंथ को डिजाइन कर दिया, ठीक है लेकिन यार जो हमारी सभ्यता में बताई गई थी जो भारतीय सभ्यता की चीजें हैं उससे वो अलग नहीं कर पाए, जिस तरह का डेज हम लोगों ने डिसाइड किया था एट लास्ट ही उनको उतना ही डेज रखना पड़ा। ठीक है कुछ गलती यार हम लोग की भी थी कि मिड में मतलब जो मिड टर्म था ना भारत का बहुत बेकार गया, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी आक्रमण को झेला, हम लोगों को वही चीज जो चीज बताया गया हम लोगों ने दुनिया की उस चीजों को सुन लिया, ठीक है हम लोग अपनी चीजों पे विश्वास नहीं किए। आपको पता है सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर माने 9 अंबर, सितंबर माने 7 अंबर, अक्टूबर माने 8 अंबर, ठीक है इस चीज को दुनिया नहीं बदल पाई, और इस चीज को हमारी सभ्यता में आपको स्कंद पुराण विष्णु पुराण में भी अच्छे तरीके से इसको बताई गई है। मुझे ज्यादा नहीं पता इसके बारे में, मैं जानकारी लेकर आप लोग को बताऊंगा, बट मैं इतना जरूर जानता हूँ गाइस कि हम लोगों तक हमारी सभ्यता को नहीं आने दी गई, हम लोग अपने ही नजर में हम लोग को गिराया गया, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज हमारे पास थी, जब दुनिया कपड़े नहीं पहनती थी तो हम लोग यार रेशम के कपड़े पहनते थे, मोस्ट वेल सिविलाइज्ड हम थे, कभी भी हम लोग यार जाति व्यवस्था में नहीं बटे थे, हम लोग वर्ण व्यवस्था में थे। ठीक है वर्ण मीन्स दैट कि यार एक राजा के घर में भी शूद्र हो सकता है, एक राजा के घर में ब्राह्मण भी हो सकता है, ब्राह्मण इन दी सेंस ऑफ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो एक नॉलेजेबल इंसान हो तो ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो तो ब्राह्मण हो, बिजनेस कर रहे हो तो वैश्य हो, बट इसको जाति व्यवस्था में बांटा, तो हम लोग गलती हमारी इतनी ही है ना कि हम लोग अपनी सभ्यता से पीछे हो गए, मेहनत नहीं की, ठीक है बट नाउ दिस एरा आफ्टर 2014 आई थिंक सो, ठीक है 2014 के बाद, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़ाई बहुत पहले से चल रही है, लोग आखिर जागृत थे तभी, लेकिन 2014 के बाद चेतना ज्यादा आ रही है, पब्लिक टू पब्लिक हम कनेक्ट हो रहे हैं। यार मुझे याद है कि जब हम लोग बच्चा हुआ करते थे, थोड़ा मैं आप लोगों का कमेंट भी देख लेता हूँ, अच्छा कमेंट आ रहा है इस पे, आप लोग का क्या कहना है, आप लोग का क्या थॉट है, थोड़ा मैं आप लोग का भी तो थॉट जानू कि आप लोग क्या कह रहे हो। आप शिफ्ट हुए है ना आंध्र प्रदेश, नहीं नहीं मैं शिफ्ट नहीं, मैं वहीं पे हूँ, तुम केक दे दो। हाँ देखो द मेन थिंग्स इज दैट द मेन थिंग्स इज दैट, ठीक है कि हम लोगों ने अपने चीजों को खोया है, ठीक है तो हम लोग को यार फिर से पाना है आफ्टर 2014, हम लोग थोड़ा जागृत हो रहे हैं, 2010 की मैं बात बता रहा हूँ, 2010-11 में स्वीटी गोहन एंड आप लोग रिलेट कर पाओगे मैसेंजर ईयर, खासकर इसको गर्ल्स रिलेट कर पाएंगे, ठीक है मतलब बॉयज भी रिलेट कर पाएंगे, घर में यार ज्यादा चर्चा होती थी मेनली चर्चा होती थी बॉलीवुड की, ठीक है कि यार इस हीरो ने ये कर दिया,
इस हीरोइन ने ये कर दिया, ठीक है। जबकि हीरो कौन है, हमारा असली हीरो हमारे भारतीय आर्मी है, सोल्जर है जो हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में, सियाचिन पे खड़े हैं, ठीक है, सियाचिन, जहां के यार मतलब जहां पे उनके लिए जो सब्जी जाते हैं ना, सब्जी जो टमाटो टमाटर जाते हैं ना, वो भी पत्थर हो जाता है, ठीक है। उसको पहले तो उबालना, ऐसे मारोगे तो भी नहीं टूटेगा, ठीक है। तो उसको यार उनके लिए जो रियल का जूस जाता है ना, वो जूस अंदर से पत्थर होके निकलता है, उस टेम्परेचर पे खड़ा होकर हमारे सेना हमको सर्व कर रहे हैं, तो वो हमारे रियल हीरो है, ठीक है। बट 2010-11 तक यार ये चर्चा होती थी कि इसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया। बट यार अचानक से 2014 के बाद से समाज धीरे धीरे चेंज होने लगा। 2016 17 18 आते आते, जब हम लोग आई थिंक 2014 में हम लोग 6 या 7 क्लास में थे, ठीक है, जब हम लोग 10th में आए तो बहुत कुछ बदल चुकी थी, ठीक है। और उसके बाद धीरे 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 समाज बदली, सब कुछ बदली, चेंजिंग हुई, और आज मतलब सब कोई जागृत होकर मेहनत कर रहा है। तो बस ऐसे ही यार, हम सबको बहुत मेहनत करना है, बहुत ज्यादा खुद के लिए मेहनत करना है, क्योंकि अगर खुद के लिए हम लोग करेंगे तो देश खुद बदलेगा, ठीक है। चलो रहने देते हैं, ठीक है। सो जय श्री कृष्ण टू यू ऑल गाइस, आपको भैया, आपको भगवान को वर्शिप करके पॉजिटिविटी मिलता है, हर पटा नहीं पूछ रहे हैं यार, वही तो शक्ति वर्धक है, ठीक है। ऊर्जा का संचार क्या है, कहाँ से है, आप एक बात देखो, हम लोग एक सोसाइटी बनाए हैं, ठीक है, इतना बड़ा सोसाइटी बनाया, बस इतना बड़ा, पूरी पृथ्वी इतने बड़ा, उस सोसाइटी में सेवरल सेवरल एग्जाम्स हैं, ठीक है, मतलब, और हम लोग अपने अपने कंपटीशन, कोई ऐसे लाइफ स्टाइल, कोई ऐसे, मतलब एट द एंड जब 40-50 के सब हो जाएंगे, ठीक है, अपने अपने कर्तव्य से जब मुक्त हो जाओगी, तो यार एट द एंड समझ में आता है ना कि कुछ इसके अलावा भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, बट उस समय तक लेट हो गई होती है। तो जरूरी ये है कि हम लोग यंग एज में, अपने यंग एज में ही सब कुछ को समझे, सीखे, ठीक है, और उसके हिसाब से अपना हम लोग मूवमेंट रखें, ताकि ताकि मतलब हम लोग शांत रह सके, इंटरनल पीस, इंटरनल शांति हमें मिल सके, और हम लोग बहुत मेहनत कर सके, किस लिए, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बस मुझे पता है आप सब बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर, तो बस शुरुआत में हम सिर्फ हमें मेहनत करना है, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है, पर थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा नहीं, याद रखना। अमेरिका आज इतना आगे, अमेरिका, आपको पता है अमेरिका अपना एक जवानी को कुर्बान किया है, मतलब उसके एक टाइम ऐसा था कि अमेरिकन अपने यंग एज को सेक्रीफाइस किए, तब जाकर अमेरिका अमेरिका बन पाया, अपने आप को लोग आगे बढ़ा पाए, और आज तक, अब उनके लीडरशिप उतने तगड़े नहीं है, फिर भी वो अपने पुराने दम पे आज तक वो चल रहे हैं। अब तो यार देखो ना, अब अमेरिका क्या, पहले उन्होंने पैसा बना लिया, नाम बना लिया, तो यार अब दुनिया भर से वो ब्रेन को खरीद लेते हैं, जैसे सुंदर पिचाई हमारा बच्चा वहां बैठा है, बहुत सारे बच्चे हमारे वहां बैठे हैं, ठीक है, क्यों, पैसे के दम पे, तो बहुत सारी चीजें हैं, बट हम भी अब पीछे नहीं, अब हम भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहे हैं। चाइना चाइना में हम लोग का $16 बिलियन का इकोनॉमी, हम लोग से चाइना को कंट्रीब्यूट होता है, चाइना का इकोनॉमी है $16 बिलियन का, $13 बिलियन हम लोग उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, और धीरे धीरे हमारा भी मार्केट कैप बढ़ रहा है, ठीक है, और आने वाला 10 साल में हम लोग का भी मार्केट कैप $10 बिलियन के ऊपर हो जाएगा, फिर देखते हैं यार कौन अमेरिका कौन चाइना, ठीक है, मेहनत करो सब कोई। चलो कल मिलते हैं, जय श्री कृष्ण एवरीवन। आई हैव सीन द मोस्ट रिलीजियस पर्सन एट दिस एज ग्रुप इज गौरव भैया। ओके, नो गौहर, मैं
अपने सब मतलब भी हम सबको प्राउड फील होना चाहिए अपने सभ्यता पे, ठीक है, नॉट रिलीजियस, मतलब यार देखो सनातन इज द वे ऑफ लाइफ, वी ऑल आर सनातन, ठीक है। ओके सो जय श्री कृष्ण टू यू ऑल। हाँ ऑल ड्यू टू मोदी जी, स्वीटी बोलिए ऑल ड्यू टू, ये आपकी भावना है, ठीक है, कह सकते हैं मोदी जी उसका पार्ट हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग का सेक्रीफाइस है उसके पीछे, बस हमें बहुत मेहनत करना है, बहुत ज्यादा, हम सबको हर फील्ड में बहुत मेहनत करना है। तो आप लोग बताओ, मतलब नाइट में ऑन कर दे रिकॉर्डिंग या फिर रहने दे, नाइट में पढ़ना है तो बोलो रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, अदरवाइज रहने देते हैं। आप हर दिन पूजा करते हो, सिटी पूछ रही है। हाँ मतलब कभी कभी ये ठंड के दिन में 2-3 दिन ऐसा हुई जब मैंने स्नान नहीं किया तो उस दिन मैं नहीं किया हूं, अदरवाइज हर दिन हो ही जाती है, कितना टाइम लगता है यार। पूजा इसलिए कभी मत करना कि फल मिल जाए, ठीक है, फल रोल के लिए डायरेक्ट कि अभी कर रहे हैं अभी फल मिल जाए, एक पॉजिटिविटी, एक संचार, एक समझना कि परम पिता है, मतलब एक ऊर्जा के लिए ही करना हमेशा, और ऊर्जा एक बार मिल जाए ना यार तो सब कुछ हो सकता है। चले जय श्री कृष्णा करें एक दूसरे को, सबको जय श्री कृष्णा। स्ट्रीम ऑफ कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रीम को ऑफ कर देते हैं, कल ही कल ऑन करेंगे। और वैसे मैं चला दिया करूंगा, जब जरूरत होगी तो मैं चला दिया करूंगा, ठीक है, चिंता नहीं करना। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? Do I grab a slippery surface, a heart attack? Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious, the panic, the infinite vastness of all that is blackness. Oh,